जय जिनी जय श्री कृष्णा राधे राधे बोलिए भारत माता की बाबा जी यही सब सब आए अपने भारत से तो जयकारा तो ऐसा जोरदार होना चाहिए बोलिए भारत माता की जय। मैं आप सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ और डॉक्टर साहब का अभिनंदन करती हूँ। इसी के उपलक्ष्य में दो लाइन स्वागत की और सुनाती हूँ आपको। मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल होए रे जिस माने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे पाला पोसा और पढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे जिस गुरु ने हमें ज्ञान दिया है उसका मंगल होए रे तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। अब मैं डॉक्टर साहब का स्वागत की कड़ी से कम आपका तहे दिल से सम्मान करती हूँ और स्वागत के लिए दो लाइन बोलती हूँ आपके लिए। अतिथि वर है स्वागतम आपका सम्मान है स्नेह निमंत्रण मान कर रखा हमारा मान है आप आए संग हमारे आपकी बरसी कृपा व्यस्ततम क्षणों में कुछ समय हमको दिया आपका ये प्यार ही तो स्नेह का प्रतिमान है स्नेह निमंत्रण मान कर रखा हमारा मान पुष्पहारों में गुथी है अतिथि की शुभकामना आपका स्वागत करें हम लेके अर्पित भावना आपके आने से ही बड़ी हमारी शान है स्नेह निमंत्रण मान कर रखा हमारा मान है। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की बोलिए राधे राधे कृष्ण कन्हैया लाल की बोलिए आज के आनंद की जयकारा ये साहब आनंद आ रहा है कि नहीं बोलिए आज के आनंद की। बस ये बताना है कि डॉक्टर पांडे जी और सबके बीच में जो मुझे देखा राहुल सेतु बनी और उसके पीछे प्रयोजन ये रहा कि जीवन में ये लगेगा कुछ कुछ चीजें तो हम पढ़ने के बाद में उनको आत्मसात कर लेते कुछ चीजें हुआ तो उनको भी उन्होंने लाभान्वित करने का काम शुरू किया। फिर उसके बाद में कोई इनर कॉल आता है अंदर से तो लगता है कि अगर इस विधान से फायदा हुआ है इसको हमने समझा है तो और जान लेना चाहिए। तो उन्होंने आहार विशेषज्ञ के रूप में एक डिप्लोमा भी इंदौर विश्वविद्यालय से प्राप्त किया और बाद में 2023 में यानी कि बहुत लंबा घटनाक्रम में फरवरी 2023 में इसी वर्ष डॉक्टर साहब के संपर्क में आई और उन्होंने सारा उनका जो सारी उपलब्धियाँ है और उनकी निदान पद्धति और जिन बातों को वो अपने अपने वक्त
वक्तव्य में और अपनी प्रैक्टिस में समाहित करते हैं, तो उन उसका अनुभव लेने के लिए रेखा जी स्वयं देहरादून में और वाइब्रेशन थेरेपी एंड इंटीग्रेटेड मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स का प्रोग्राम होता है, उसको भी जाकर रेखा जी ने वहाँ पर समझा देहरादून में 7 दिन की कोर्स में, और फिर ऐसा लगा कि इंदौर में इस कार्यक्रम को करना चाहिए और लोग इससे जुड़ सकें, इस पर आगे कुछ कदम बढ़ा सकें। हालांकि हमारा विज्ञान, खास करके चिकित्सा विज्ञान, प्रतिदिन प्रतिक्षण एक नए आविष्कार के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी जानकारियां हमको भी सभागार में उपलब्ध है, कार्यक्रम समाप्त होगा तो तब तक हो सकता है कि विज्ञान में कहीं और कोई एक नया घटनाक्रम और एक नया आविष्कार को सुनने को मिले, और प्रतिक्षण ये घट रहा है कि दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन इस बीच में हमारी जो पुरातन पद्धतियां हैं, जो हमारी वैकल्पिक चिकित्सा के हमारे जो आयाम है, उसको आत्मसात करने की कृष्णवती साहब ने कोशिश की। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब को मैं बोला उनके बारे में मैं कुछ बोलूँ, उसके पहले अपनी कुछ अनुभूति नहीं बोलना चाहिए, मैंने जितना बोलना काफी, बाद में शिकायत तो नहीं करेंगे मुझे बुलाया। तो अब मैं डॉक्टर साहब के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि जो हमारा जो वर्तमान परिदृश्य है चिकित्सा का, और उसमें जो हम डॉक्टर साहब की तरफ नजर डालते हैं उनके व्यक्तित्व की ओर और उनकी उपलब्धियों की ओर, तो नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में न्यू दिल्ली मोहाली चंडीगढ़ में कार्यभार संभालते हैं, देहरादून जलंधर अमृतसर सुभाष यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल मेरठ में सीएमआई पद पर कार्यरत हैं, उनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 13 से ज्यादा पेपर्स पब्लिश हुए हैं, जिनमें इंडियन जर्नल ऑफ नेफ्रोलॉजी में एक बहुत समीक्षात्मक आलेख है, उसको बहुत प्रसिद्धि मिली है, उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न पत्रिकाओं में 200 से अधिक मंचों से अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, हजारों लोगों को जिनकी संख्या तो ऐसे पंजीबद्ध करना बहुत मुश्किल है, उन्होंने होल फूड रॉ डाइट अपक्व आहार को लेकर उन्होंने बहुत उस पर कच्चे आहार कच्चे अनाज को लेकर के उन्होंने बहुत प्रयोग शोध और फिर उसकी जानकारियों को समझते हुए कैसे वो हमारे दैनंदिन का हिस्सा बन सकता है उस पर निरंतर उन्होंने काम किया है, और हजारों लोग उससे लाभान्वित हुए। जो जीवन दृष्टि है और उनकी जो कार्य पद्धति है उसका आधार यह है कि स्वयं मनुष्य अपनी देह को देखकर उस पर होने वाले घटनाक्रमों को देखकर हमारी जो डेली रूटीन हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको देखकर एक छोटा मोटा डॉक्टर वो स्वयं बन सकता है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि भारत के अंदर तो ये कोई सुस्ते काम नहीं, हम अपने आप में मतलब पूछने जाते हैं तो दो चार इलाज बता के आ जाते हैं जिनकी तबियत पूछने जाते हैं, मुझे लगता है जितनी बड़ी आबादी उतने हमारे यहाँ डॉक्टर्स तो होंगे, लेकिन ये तो एक हास्य हो सकता है, लेकिन ये इसकी 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 गंभीरता ये कि डॉक्टर ये मानते हैं कि यदि आप एक नज़र अपने आहार पर अपने अपनी जीवनचर्या पर अगर आप रखें, ये दरअसल डॉक्टर साहब के इन विचारों की और डॉक्टर साहब का जो शोध है उसकी प्रासंगिकता दरअसल इसलिए अभी बढ़ी कि हम लोग पहले एक संयुक्त परिवार में रहने वाले लोग थे, जहाँ पर दादियाँ नानियाँ चुटकी लगाते थे, जो कुछ हो रहा है तो आप फोपट से हल्दी ले लो, घी ले लो, ये ले लो, इस तरह के। अब मैं उन फॉर्मुलों की तरफ भी जाना चाहूँगा, वो विषय अंतर हो जाता है। तो ऐसे घरेलू हमारे बहुत सारी फॉर्मुले थे जिनको हम आजमाते थे, जिनसे लाभान्वित भी होते थे, लेकिन फिर एक दौर ऐसा आया, खास करके जो संचार क्रांति वाला जो समय है जिसमें कि ये एक साधन हमारे जीवन में आ गया, जिसमें कि आया पढ़ा नहीं और आगे बढ़ा दिया, मतलब पढ़े नहीं और बढ़ गए, ये अभी एक नई हमने इजाद कर रही है, और इसमें अगर डॉक्टर लाहौरी साहब कर बैठे हैं तो हम सब वाकिफ हैं उनका जो व्यक्तित्व, कितने वर्षों उन्होंने अमेरिका में बिताए, कितना शोध उन्होंने किया, उसके बाद में स्वदेश लौटने के बाद में फिर उन्होंने यहाँ पर एक चिकित्सा केंद्र की स्थापना, जो कितने लोगों को इससे लाभ मिला था, और उसमें होलिस्टिक अप्रोच को भी रखना डॉक्टर को जरूरी, क्योंकि हमेशा ये माना गया है कि चिकित्सा मानवीयता ईश्वर और सेवा, उसमें एक अंडर करंट इन चार चीजों का, डॉक्टर सर्विस ईश्वर डिविनिटी, ये सब चीजों का एक अंडर करंट जो चिकित्सा विज्ञान से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन सालों में कुछ चीजें डाइवर्ट हुई है, तो डॉक्टर साहब ने उन सब से हटकर एक्चुअली उस काम को करते हैं, तो कल कुछ
रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, तो वो बाकायदा एक प्रोफेशनल तरीके से रजिस्टर भी किया गया है। कोई व्यक्ति ये तो नहीं हो सकता कि एकदम बिल्कुल संतत्व को पकड़ करके तो प्रवचन देकर इन चीजों को बता रहे, क्योंकि ये भी है कि जो चीजें बहुत मुफ्त में और बहुत सही उपलब्ध होती है उनका हम सम्मान भी नहीं कर पाते। ये भी है हम जब चुराते हैं कुछ चीजों को तो हम जरूर उनके ऊपर विचार भी करते हैं और उसको आचरण में भी करते हैं। डॉक्टर साहब उनकी जो जो अप्रोच है अपनी बात को कहने की, उसमें मुझे दो तीन बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसमें एक पंक्ति मुझे आपके साथ साझा करने की बहुत खुशी की। सबसे पहले व्याधियों से मुक्त होने के पहले सबसे पहले जीवन के अपनों से और अपने आसपास के परिवेश से शिकायतों को बंद करें। हम बहुत ज्यादा समय शिकायतों में लगाते हैं, उसके बजाय हम ये देखें कि हम अगर धन्यवाद की पद्धति को जो कुछ सहज में हो रहा है उसके प्रति अनुग्रह का भाव, मतलब हम अभी जिस परिस्थिति में हैं तो ईश्वर से भी नहीं रहते, परमात्मा हमें कहां फंसा दिया, मतलब उसको धन्यवाद तो हम देने से रहते हैं, उसके अनुग्रह प्रकट करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो डॉक्टर साहब का ये कहना है कि हमें ये मानकर चलना है जो हमारी भारतीय हमारी जो सोच है, जो सनातन सोच है, जो लोग जुड़े हुए उससे हमारे परिवारों ने ये बात हमारे बुजुर्गों ने हमको बताई, हमारे संतों ने मनीषियों ने बताई थी, ऋचाओं में लिखी हुई है, वेद में पुराणों में इन बातों का उल्लेख है कि हमारा आत्म तत्व सबसे पावरफुल एक टूल है इस मनुष्य के जीवन का। आत्म तत्व को धीरे धीरे हमने विस्मृत कर दिया है, वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह चला गया है जिसकी ताकत को हम थोड़ा विसरा बैठे हैं। कई इंट्यूशन हमको होते हैं जिनमें जिसमें सुनते हैं हमने उसको स्मरण किया या उसके प्रति हमने सद्भावना रखी, उसका प्रतिफल हमको अच्छा मिला। तो ये सब हमारी जो जीवनचर्या है उसके हमारे संस्कारों में हमारे हमारे आत्मचिंतन का हिस्सा रहा, लेकिन दुनिया है और जिंदगी है वो अपने हिसाब से चलती रहती है और बदलती रहती है। तो डॉक्टर साहब का मूल चिंतन ये रहा है कि सबके प्रति अनुग्रह का भाव रहे, धन्यवाद का भाव रहे, और सबसे पहले एक नए चलन को शुरू करें कि हम जैसे उन्होंने अपने इसमें आर्टिकल में लिखा कि हम सॉरी को जरा कम करें और थैंक्स को बढ़ा दें, धन्यवाद को बढ़ा दें, क्षमा को, क्षमा कर सके लेकिन क्षमा मांगने वाली बात, क्षमा मांगने की बात कब तब हो जाएगी जब गलतियां भी हम कम करेंगे, लोगों के प्रति पूर्वाग्रह भी हम कम रखेंगे, कटुता भी हम कम रखेंगे, तो ये क्षमा भाव मन में पैदा होगा। तो मतलब आपके सोचने के सबसे पहले जो डॉक्टर साहब के बारे में कल रेखा जी ने जानकारियां थी तो सारे थोड़ा बहुत पढ़ा और एक दो की उनकी व्याख्यान भी मैंने देखी, सबसे पहले तो ये कि अपने नजरिए में एक आमूलचूल बदलाव की जरूरत है और एक विश्वास और एक आस्था कि हाँ इससे मुझे लाभ मिल सकता है, इससे मैं ठीक हो सकता हूँ, ये बात जब मन में एक स्थान बना लेती तो अपने आप आपको लगने लगता है कि डॉक्टर साहब जो कहेंगे ये इसका प्रयोग भी किया जा सकता है, इससे ठीक भी हुआ जा सकता है, इससे लाभान्वित भी हुआ जा सकता है। तो मुझे लगता है कि जितना मुझे कहना था उससे मैंने कुछ ज्यादा कह दिया, आपकी उत्सुकता और मुझे तो आप सुनते रहते हैं दौर में और मेरे पास ऐसा कुछ नया भी नहीं होता, इधर उधर बोला होता है, लेकिन मूल जो है वो अब उनको उन तक जाना होगा। तो चाहूंगा कर्तव्य ध्वनि के साथ में हम प्रणाम करें महाकाल की पावन भूमि को नमन। आप सभी इस सभा गृह में जितने भी लोग आए हैं उनका भी नमन और उनके परिवार वालों का भी नमन। आपने देखा होगा महाकाल, मैं एक्चुअली जानना भी चाहता हूं कितने लोगों को ये बात पता है, मैं जानना भी चाहता हूँ। आपके कोई रिलेटिव्स इंग्लैंड अमेरिका में रहते होंगे, कभी आप उनको समर में फोन करते हैं तो वो बोलते हैं कि अभी 8 बज रहा है, आप ऐसा अनुमान लगाते हैं। फिर विंटर में फोन करते हैं तो वो टाइम चेंज हो जाता है। भारत का टाइम चेंज नहीं होता है, उनका टाइम विंटर में 1 घंटे पहले हो जाता है, समर में 1 घंटे बाद हो जाता है, ये आपने देखा होगा। क्योंकि मुझे लगता है जितना नुकसान मुगलों ने भारत का नहीं किया उतना ब्रिटिशर्स ने किया, हर कुछ में ब्रिटिश प्रभुत्व, हर कुछ में ब्रिटिश प्रभुत्व। लैटिट्यूड तो बदल नहीं सकते हैं, लॉन्गिट्यूड इमेजिनरी लाइन है,
तो वो इंग्लैंड से ही पास करेगा 0 degrees। ये सारा कुछ इसी का किया धरा है। समय को काल कहते हैं। काल महाकाल से ही शुरू होता है। अगर आज भी 0 degrees को महाकाल से शुरू कराया जाए तो कहीं का टाइम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात पे जो यंगस्टर्स हैं, जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या जो आर्ट सब्जेक्ट है, गौर करिएगा इस बात पे। दूसरी, जो इंग्लिश पद्धति से जानने वाले लोग, उनको लगता है सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। क्या लगता है आपको, ईस्ट से उगता है क्या सन? कितने लोगों को लगता है कि ईस्ट से नहीं उगता है सन? आप सरप्राइज हो जाएंगे, ये उनका जो अनुमान है ईस्ट से सन उगता है, उसका मतलब वो इतना ग्रॉस चीज है। कभी भी ईस्ट से, साल में जो 365 दिन 365 1/4 डे होता है, उसमें दो ही दिन सूरज ईस्ट से उगता है, 23rd of March एंड 23rd of September। अदरवाइज या तो नॉर्थ ईस्ट से उगता है या साउथ ईस्ट से उगता है, ईस्ट से नहीं उगता है। और ये मोर और लेस नहीं है, ये एग्जैक्ट बात है। अगर भारतीय पद्धति में बोली जाती तो ऐसी बात बोली नहीं जाती। इसीलिए हमारे जितने भी पुराने मंदिर हैं वो ट्रू नॉर्थ को पॉइंट करते हैं। आपके बीच में जितने भी आर्किटेक्ट हैं या जो आर्किटेक्ट को जानते हैं, उनसे पूछिए कि मुझे एक बिल्डिंग बना के दीजिए और ट्रू नॉर्थ पे पॉइंट कर दीजिए बिल्डिंग को। आप बोलिएगा जरा, आप देखिएगा वो आंसर क्या देते हैं। बोलते ट्रू नॉर्थ तो आज तक कभी किसी को मिला नहीं। आपकी साइंस अभी स्थिति में है कि आपको ट्रू नॉर्थ नहीं मिला है, और आपके जितने पुराने मंदिर हैं सभी ट्रू नॉर्थ को पॉइंट कर रहे हैं। ये सोचने ऐसी बात, ट्रू नॉर्थ हमें आज तक नहीं मिला है। किसी भी कोई भी आर्किटेक्ट, और वैसे भी आर्किटेक्चर ये चोरी किया हुआ शब्द है संस्कृत से, अर्चावतार से। अर्चावतार, हम जिसकी अर्चना करते हैं उसको मूर्ति में अवतरित करते हैं, उसको अर्चावतार कहते हैं। वहीं से ये वर्ड आया है आर्किटेक्चर। इट्स अ ट्रू कॉपी ऑफ अर्चावतार। और आपने एक और चीज देखा, हमने दीप प्रज्वलित करके ये कार्यक्रम की शुरुआत की, दीप बुझा के नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू, अच्छी बात है। दीप बुझा के नहीं, दीप प्रज्वलित करके हम कोई भी चीज शुरू करते हैं। तो ये स्टार्क डिफरेंस है। और ये मैं आपको इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूं कि मैं MBBS, MD, PhD ये सारा कर चुका हूं। एक दूसरी PhD कर रहा हूं मैं पाइनियल ग्लैंड पे, तीसरी आंख पे, जिसके ऊपर मेडिकल लिटरेचर बहुत कम है, क्योंकि उसको माना जाता है कि वो रूडिमेंट्री ग्लैंड है, तो रूडिमेंट्री पे कोई रिसर्च करता नहीं। मैं जब रिसर्च कर रहा हूं, इतने स्टार्टलिंग फैक्ट्स बाहर आ रहे हैं, सोचने जैसी बात नहीं, तो वो हम बात करेंगे। मैं आपको बता रहा था, और मातृशक्ति के गीत से स्वागत हुआ। मातृशक्ति, मातृशक्ति वाले लोग, हम कुछ ऐसे हैं कि कोई मां को प्रॉब्लम होता है तो मोमबत्ती लेके शहर में नहीं घूमते हैं, मां के लिए लंका में आग लगा देते हैं। मोमबत्ती लेके नहीं घूमते हैं, और हमें हमेशा फॉरेन कंट्रीज में ब्लेम किया जाता है कि आप अपनी
औरतों की इज्जत करना नहीं जानते हैं। इज्जत की बात यह है कि एक जो मातृशक्ति है या जो स्त्री है उनके ऑनर को रोकने के लिए भारत को महाभारत बना देते हैं, हम वो लोग हैं। इसलिए ये पहचानना बहुत जरूरी है कि हम कौन लोग हैं। MBBS, MD, PhD और अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, आई एम अ प्रैक्टिसिंग रेडियोलॉजिस्ट। और रेडियोलॉजिस्ट का सबसे अच्छी बात यह होती है कि बच्चा जब मां के पेट में आया हमारा रोल वहां से शुरू होता है और ब्रेन डेड हम ही डिक्लेयर करते हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जहां पर हमारा रोल नहीं है। और सभी बीमारियों को देखते 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 इस कंक्लूजन पे मैं पहुंचा कि पेशेंट तो ठीक होते नहीं, पेशेंट मैनेज होते हैं, क्योर नहीं होते हैं। तो चूंकि मुझे संस्कृत आती है इसलिए मैंने पूरा का पूरा आयुर्वेद पढ़ा, यूनानी मेडिसिन पढ़ा, चाइनीज मेडिसिन पढ़ा, जापानीज मेडिसिन पढ़ा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, सिद्धा, जापानीज मेडिसिन, ये सारा कुछ। तो मेरा एक पर्सपेक्टिव जो होगा किसी पेशेंट को देखने का वो बहुत डिफरेंट होगा। और उसके बाद मैंने ये बीड़ा उठाई कोविड के टाइम में, जब लोग मर रहे थे तब हमने एक बीड़ा उठाई कि नहीं, हमने लोगों को बचाना है। क्योंकि कोई डॉक्टर क्यों बनता है, कोई वकील क्यों बनता है, सोसाइटी में क्राइम ना हो इसलिए वकील बनते हैं। कोई वकील इस पे काम कर रहा है क्या? डॉक्टर कोई क्यों बनता है? सोसाइटी में डिजीज ना हो। कितने डॉक्टर काम कर रहे हैं इस पे? हमें बड़ा गर्व है कि हम इस पे काम कर रहे हैं कि सोसाइटी में डिजीज ना हो। और चीजें इतनी सिंपल बना दी जाएं कि आपको लगे कि क्या इतना सिंपल हो सकता है क्या? एक्चुअली इतना सिंपल है। हेल्थ इतना सिंपल है, हमने उसको इतना कॉम्प्लिकेट किया, इतना जितना आप सोच नहीं सकते हैं। सिर्फ इस बात के लिए कि आपको कोई दवा की टोपी पहनाई जाएगी ठीक होने के लिए। दवा का रास्ता क्योर का रास्ता हो ही नहीं सकता है। दवा का रास्ता चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो नेचुरोपैथी हो, ये मैनेजमेंट का रास्ता है, क्योर का रास्ता नहीं है। क्योर बिना दवा के आएगी। इसीलिए हमने हमारे यहां जो दवा की एक तो दुकान नहीं है मेरे हॉस्पिटल में, लेकिन फार्मेसी है, उसका स्पेलिंग चेंज है, उसका नाम है FARMACY, फार्म प्रोड्यूस से आहार ही औषधि है। आहार को ही औषधि के रूप में ले, अगर आपका आहार सही है तो औषधि की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर आहार गलत है तो औषधि काम नहीं करती। तो दोनों केसेस में रिक्वायर्ड नहीं है। कुछ जो सुपर औषधि है वो आप हैं, आपके मन में है। औषधि आप खुद हैं। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, दुनिया में जितनी दवाइयां काम करती हैं, मैं आयुर्वेद के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं दवाइयों के बारे में, बिकॉज मैं दवा यूज नहीं करता हूं इसलिए बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं। अगर आपको विश्वास है कि यह दवा काम करेगी तो काम करेगी, और आपको लगता है कि यह दवा काम नहीं करेगी तो आपको अमृत दे दिया जाए वो जहर का काम करेगा, वो काम नहीं करेगी। तो इट्स ऑल इन द माइंड, दिस प्रोड्यूसेस,
द मेडिसिन। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टडी है ये। एक इंसान को फांसी की सजा हुई तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सोचा कि एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो उन्होंने कोर्ट से परमिशन लिया, पहले जेलर से परमिशन लिया, फिर इस बंदे से परमिशन लेने गए कि हम आपको, आपको तो फांसी ऐलान हो चुका है, जिस डेट को आपको फांसी लगना है उस दिन हम आपको सांप का जहर इंजेक्ट कर देंगे, उससे 30-35 सेकंड में मौत हो जाती है। फांसी में बहुत टाइम लगता है, 10 से 12 मिनट लगते हैं, बहुत पेनफुल होता है, तो आप क्यों इतना पेन ये सहना चाहोगे, आपको सांप का जहर दे देंगे, आप मर जाओगे। तो वो भी मान गया। अपॉइंटेड डे को आए लोग, पूरा टीम आई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, पूरे डॉक्टर सब कुछ टीम के पूरा ये सारा कुछ लेके उन्होंने उसको लिटाया, अंतिम इच्छा वगैरह पूछी, फिर इंजेक्ट कर दिया उसको। बोला नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो आप इंजेक्ट करो, मैं तो चला। इंजेक्ट कर दिया, 5 से 6 सेकंड में उसकी मौत हो गई। नॉर्मली 30 सेकंड, 30-45 सेकंड लगते हैं, 5 से 6 सेकंड में मौत हो गई। उसको नॉर्मल सलाइन इंजेक्ट किया गया था, उसको सांप का जहर इंजेक्ट नहीं किया गया था। तो मारा किसने? उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसमें सांप का जहर निकला। सांप का जहर बना कैसे? इसमें बनाया। सो द एल्केमी इज इनसाइड यू, इट इज नॉट इन द ड्रग। ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स हैं, आप अगर ढूंढोगे आपको गूगल पे तमाम मिल जाएंगे। प्लेसिबो इफेक्ट, कोई भी दवा काम करती है, अगर आपको लगता है कि काम करेगी तो जरूर काम करेगी, अगर आपको लगता है काम नहीं करेगी तो आपको अमृत दे दिया जाए वो काम नहीं करेगी। ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हैं, बहुत से टेस्ट हैं, बहुत से हैं, मतलब मोर देन 1000 जो पब्लिश्ड हैं, तो आप अगर ढूंढोगे तो आप, आपको मिल जाएगा। तो ये सब सिर्फ किताबी बातें न रह जाएं। आप यहां से जब जाओ, वी विल हैव एन इंटरएक्टिव सेशन, आप यहां से जब जाओ आपके मन में कहीं कोई डाउट हेल्थ के प्रति रहना नहीं चाहिए। सो वी विल बी कवरिंग कॉमन डिजीज। सबसे पहले हेल्थ और डिजीज के बीच में फर्क क्या है, किसको हेल्दी बोलेंगे, किसको डिजीज बोलेंगे। हेल्थ और डिजीज के बीच में एक थिन लाइन है, वो थिन लाइन आहार का नहीं है। लोगों को लग रहा होगा आहार का है, आहार, व्यवहार, विचार, चौथा आचार, एटीट्यूड, ये 4 स्तंभ हैं। ये चारों स्तंभ काम करते हैं। anyway, तो ये जो हेल्थ एंड डिजीज के बीच में अ थिन लाइन बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज इज ओनली एयर एंड वाटर। आपको दिखाता हूं कैसे, किसी को हेल्दी कैसे बोलेंगे, वो मॉर्निंग वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, जो भी एक्सरसाइज के, सभी एक्सरसाइज में कॉमन क्या है, आप सांस ज्यादा लेते हो और सांस ज्यादा छोड़ते हो, चाहे आप योग कर लो, चाहे आप दौड़ लो, चाहे आप जो मर्जी कर लो, ये कॉमन फैक्टर है सभी एक्सरसाइज। अगर आप एक्सट्रीमली सिक हो जाओगे तो इंटेंसिव केयर यूनिट में दाखिल हो गए। बीमारी आपको कोई भी हो, दो चीजें आपको कॉमन मिलेगी इंटेंसिव केयर यूनिट में, एक ड्रिप चल रहा होगा उसको और ऑक्सीजन चल रहा होगा। दैट शुड गिव यू अ मैसेज। मैसेज ये है, इस पेशेंट का जल और वायु ठीक नहीं है। ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम जल और वायु ठीक कर लेते तो हेल्दी हो जाते हैं।
तो हेल्थ एंड डिजीज के बीच में ओनली एयर एंड वाटर, अगर उसकी मात्रा आप में पर्याप्त है तो बीमारी नहीं होगी। और बिना खाए कोई मरता नहीं है, सब खा के मरते हैं, सब। हम रोज देखते हैं ये लीला हमें रोज दिखाई देती है। बिना खाए सिर्फ सूरज की रोशनी में से एनर्जी लेके बॉडी बिल्डर्स को आपने देखा नहीं है, वो भी कम्युनिटी ट्राई करिए, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। जो ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, सिर्फ सूरज को देखते हैं और बड़े सालों से जिंदा है और बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं, ये सोचने ऐसी बात है। इसलिए कई चीजें जो आपकी परिकल्पना में नहीं है, दैट डज नॉट मीन इट डज नॉट एग्जिस्ट। लोगों को लगता है कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, तो आपको पता नहीं है, तो आप मालूम करिए ऐसे हो सकता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ये अब जैसे यहां पर महाकाल की भूमि में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हेल्थ वाइज डायबिटीज है। डायबिटीज जैसी बीमारी को हम बीमारी ही नहीं समझते हैं। मेरे पास कोई डायबिटीज का पेशेंट आता है, उसको पहले ही बोलते हैं यार ये तो कोई बीमारी है, तो दो तीन दिन में ठीक होगा। और हम दो तीन दिन में ठीक करते हैं डायबिटीज। ठीक मतलब ब्लड शुगर नॉर्मल, सारी दवाइयां बंद, इंजेक्शन भी ले रहा है तो क्या हुआ, वो बंद हो जाते हैं। डायबिटीज ब्लड प्रेशर हाईवेज है, इसी के ऊपर बीमारियां चलती हैं टू गेट इफेक्टेड। अगर आपने डायबिटीज दवा से ठीक किया, मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं ये तो थोड़ा टफ रास्ता है, मैं तो पोहा भी खाऊंगा, जलेबी भी खाऊंगा, मिठाई भी खा लूंगा और दाल बाटी चूरमा भी खा लूंगा, घी भी खा लूंगा और डायबिटीज भी ना हो, तो ये संभव नहीं, ये संभव नहीं। आपको कहीं ना कहीं एक लकीर खींचनी होगी, क्योंकि दुनिया में हर चीज का कोटा है। अगर एक साथ सारा कुछ ले लिया तो डायबिटीज हो जाएगा, फिर आपका ये कोटा खत्म हो गया। उस कोटा को बरकरार रखने के लिए वो एक गाना भी था ना, मजा लेना है पीने का तो कम कम धीरे धीरे पी, चलेगा उम्र भर पीने का मौसम धीरे धीरे पी। इसीलिए कम कम खाएंगे तो उम्र भर खा सकते हैं। अगर एक साथ आप ही का कोटा है, एक साथ खा लेंगे तो डायबिटीज हो जाएगा, फिर आपको बंद करना पड़ेगा। इसलिए बेसिक बात यह है कि आपका भोजन ऐसा हो कि आपकी बॉडी अपने आप उसको डाइजेस्ट करने की स्थिति में आ जाए और कभी भी डायबिटीज ना हो, यह संभव है। यह संभव है कि आप जो खा रहे हैं वो भी खाएं, उसके बाद भी आपको डायबिटीज ना हो, यह संभव है, यह संभव है। आपको सिर्फ खाने का तरीका बदलना है, दैट्स इट, दैट्स इट। और बहुत सिंपली आप और डायबिटीज, उससे क्या फर्क पड़ता है, 400 था मैंने दवा लिया, वो फला फला डॉक्टर से लंदन से आया होगा तो मैंने तो उनसे दवा लिया, वो तो एक दिन में 400 से 100 आ गया, तो ये पूछना जरूरी है उनसे, उन डॉक्टर से पूछना जरूरी है कि 400 से 100 आ गया तो बाकी 300 कहां गए, बाकी 300 बॉडी से निकल गए, यूरिन में निकल गए, पॉटी में निकल गए, पसीने में निकल गए, सांस में निकल गए, कहां निकले, कहीं नहीं निकले, वो आपकी बॉडी के अंदर ही है। एक जगह से कचरा निकाल के दूसरे जगह रख दिया गया, जरूरत पड़ने पे वो आएगा, आपका शुगर भी बढ़ेगा, सारा कुछ होगा। इसीलिए हम डायबिटीज कभी क्योर नहीं कर पाते, क्योंकि ये बेसिक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। इस बार जो G20 में जो डायबिटीज वर्ल्ड डायबिटीज फोरम बनाया है उन्होंने, पता नहीं ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितना बड़ा फोरम बन गया है वर्ल्ड में। एनीवे, तो ये उसको मैं एड्रेस कर रहा हूं इस बार अक्टूबर में, 13, 14, 15 कुछ अक्टूबर में है,
तो आई एम एड्रेसिंग दैट फोरम ऑन वर्ल्ड डायबिटीज फेडरेशन। तो आप देखेंगे ये इतनी सिंपल डिजीज है, हमने इतना कॉम्प्लिकेट किया उसको, कोई दवा नहीं है, कोई दवा नहीं है। और डायबिटीज ब्लड शुगर डिजीज नहीं है, आपको लगता है ना ब्लड शुगर डिजीज है, ब्लड शुगर डिजीज नहीं है डायबिटीज, ब्लड शुगर इफेक्ट है डायबिटीज का, कॉज नहीं है उसका, कॉज हाइपर इंसुलिनीमिया है। हाइपर इंसुलिनीमिया को आप ठीक कर दें, ब्लड शुगर आपका नॉर्मल हो जाएगा, और उसको ठीक करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है, और बहुत ज्यादा तपस्या की जरूरत नहीं है। डायबिटीज ठीक करना क्यों जरूरी है, क्यों दवा पर रहना जरूरी नहीं है? अगर आपको डायबिटीज है, यू हैव टू बी लकी नॉट टू डाई ऑफ अ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक तो होगा ही, अगर बच गए, अगर हार्ट अटैक नहीं हुआ, यू हैव टू बी लकी नॉट टू डाई ऑफ अ हार्ट अटैक, क्योंकि कैंसर तो होगा ही। अगर हार्ट अटैक से बच गए तो कैंसर से बचेंगे नहीं। इसलिए बहुत बहुत जरूरी है ब्लड शुगर को नॉर्मल करना, इसलिए बहुत जरूरी है। तो कैसे नॉर्मल करेंगे? आपको जो आप आहार ले रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन करने की जरूरत है, बहुत छोटे छोटे परिवर्तन से ब्लड शुगर आपका नॉर्मल रह सकता है। आप मतलब वो भी खा रहे हैं, बॉडी के लिए भी खा रहे हैं, टेस्ट के लिए भी खा रहे हैं, और शुगर भी नहीं हो रहा, इससे अच्छी क्या बात होगी? सो वी हैव टू मेक इट दैट सिंपल। दूसरा यहां का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है घुटनों का प्रॉब्लम। आपको लगता है ऊपर वाले ने ये सोच के भेजा था कि घुटने सबके, जॉनसन एंड जॉनसन सबके लिए, चलो भाई एक एक बंदा भेज रहा हूं, जॉनसन एंड जॉनसन को ऊपर वाले ने फोन भी कर दिया कि भाई तुम ना इसका घुटना भी बना के रखना, क्योंकि इसका घुटना तो फेल कर जाएगा, फिर ना रिप्लेस करना होगा। आपको लगता है इंसान ऊपर वाले की बराबरी किसी भी क्षेत्र में कर सकता है? मतलब ये सोचना भी मुझे तो लगता है पाप है। हम सोच भी कैसे सकते हैं ऊपर वाले की बराबरी? जो आपके नॉर्मल नीड्स हैं उसी को अगर ठीक हो जाए तो आपको नी रिप्लेसमेंट क्यों कराना? बिकॉज नी रिप्लेसमेंट इज अ फॉरेन बॉडी इनसाइड योर बॉडी, और बॉडी फॉरेन बॉडी को बहुत दिनों तक टॉलरेट नहीं करती है, चाहे वो किडनी का ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो नी का ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो हिप का ट्रांसप्लांट हो। और ये सिंपली कैसे हुआ? इस पे लगाम नहीं थी इसलिए नी खराब हुई। घुटने पे हमारा एक वीडियो है, कभी जाके देखिएगा। आजकल घुटने बो होते जा रहे, मतलब ये है कि लेग्स जो हैं बो लेग्स होते जा रहे हैं लोगों के विथ एज। क्यों हो रहा है ये? उसके 10-12 कारण हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैल्शियम डेफिशिएंसी से हो रहा है, कोई जरूरी नहीं है। बेसिक बात ये है कि हम वो बेसिक बेसिक चीजें करना भूल गए। धूप, हमें धूप लगती है, हमें सूरज, किसी ने बता दिया है कि सूरज में ज्यादा रहोगे तो कैंसर हो जाएगा। ऐसी मिथ्याओं से बचिए। द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन प्लैनेट अर्थ इज द सन। आपको अगर उससे कैंसर हो रहा है फिर तो बहुत गड़बड़ वाली बात है, और इसमें सूरज का दोष नहीं है, दोष अपने आप में ढूंढिए। और सूरज की किरणों से नहीं हो रहा है, आप जो यूज कर रहे हैं SPF कहीं उससे तो नहीं हो रहा है? मालूम करिए, मालूम करिए। तो जो लोग साबुन लगाते हैं उन्हीं का स्किन खराब होता है, जो ब्रश करते हैं वो बैड स्मेल करते हैं। कभी देखिएगा, कभी गौर करिएगा इस बात पे। हम लोग या मेरे टीम मेंबर्स, वी स्मेल ऑसम, और हमें 4-5 साल हो गए ब्रश किए हुए। हम हल्दी यूज करते हैं, हमारे दांत भी व्हाइट हैं,
हमारे गम्स भी पिंक हैं और हमारे 32 के 32 हैं और वो रहेंगे, आपके 32 नहीं रहेंगे, क्योंकि ब्रश करने वालों के रहते नहीं। और ब्रश करके कितने लोगों के दांत कितना व्हाइट है अपने आप से पूछिएगा, मुझे मत बताइए, खुद से पूछिए आप कितना अच्छा। होता क्या है कि आप जो ब्रश करते हैं, एक सिंपल बात बता रहा हूं आपको, क्योंकि हमें हमारे बेसिक्स ही रॉन्ग है। पहली बात तो दांतों का हेल्थ नहीं होता है, गम्स का हेल्थ होता है। और जब आप ब्रश करते हैं तो गम्स को आप स्क्रेप करते हैं। और मैं तो बहुत से ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो ब्रश करते हैं लगता है पता नहीं ये मुंह ही किसी और का है, जल्दी जल्दी ब्रश करो यार, पता नहीं कहां जाना है, लगता है किसी और के मुंह में कर रहे हैं, टूटे तो टूटे, चलो कोई बात नहीं, चलो कर ही लो यार, खत्म करो ये। तो ऐसा ना करें, आप अपने गम्स को इंजर कर रहे हैं। और आजकल तो एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं कि दो बार ब्रश करो, अरे एक बार काफी नहीं था क्या, इतनी गंदगी क्या क्यों खा लेते हो भाई, तो वो दो बार ब्रश करने पड़े और नहीं तो कीड़े हो जाएंगे। ये याद रखिए, एडवर्टाइजमेंट अगर प्राइम टाइम में कुछ आ रहा है उससे आपको फायदा है नहीं है, लेकिन जो जो एडवर्टाइज कर रहा है उसको फायदा है, उसको फायदा है, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू सेल समथिंग। और झूठ बिकता है, सच्चाई को बेचने की जरूरत नहीं पड़ती, जो भी बिकता है झूठ बिकता है। तो आप अगर इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि 9 बजे ब्रश तो करना ही है, मैंने बहुत बहुत बड़े बड़े संत महात्माओं को भी देखा है कि वो बातें जो भी बोले वो ब्रश तो करते ही हैं। तो जब हमने बात की तब उन्होंने छोड़ा और तब वो मतलब इस पे आए, तो उनको ये बात समझ में आने लगी कि क्यों है कैसे है। तो आप देखिए, एक सिंपल सिंपल चीजें जो हमें यूजुअली मालूम होनी चाहिए हमें मालूम नहीं है हेल्थ के लिए। सो वील बी डीलिंग विद डायबिटीज, घुटनों का प्रॉब्लम जो मैं देखा हूं यहां पर ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं। और जो पैंडेमिक था, रिसेंट पैंडेमिक, क्योंकि ऐसे पैंडेमिक्स में क्या करना है ये आपको आना चाहिए। हमारी जर्नी भी वहीं से शुरू हुई थी, हीलिंग में। हम तो डायग्नोस्टिक्स के लोग, डायग्नोज करके दे दिया, तुम जो भी ट्रीटमेंट करो यार, हमारा तो वो देखना नहीं है। लेकिन 6 महीने बाद फिर आते थे, वो 1 साल बाद फिर आते थे, और अगर जिंदा होते थे तो 2-3 साल बाद भी आते थे कि जरा ये देख लीजिए कि पहले से कैसा। हमने अभी तक किसी को इंप्रूव करते हुए तो देखा नहीं। तो जब रिसेंट पैंडेमिक आया, इसमें ये बात 2-3 बातें जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय लगा कि पूरी दुनिया की विद्या फेल कर गई और साइंस के ऊपर जो लंबी चौड़ी बातें करने वाले लोग थे, जो बोल रहे थे कि नहीं अब तो जीन तक हम पहुंच गए हैं, अब तो जीन, वो वाला जो जीन रिस्पॉन्सिबल है डेथ के लिए, हम तो वहां तक भी पहुंच गए, उसको निकाल फेंकेंगे तो हम अमरत्व को प्राप्त हो जाएंगे, ये थोड़े दिन पहले बातें चल रही थी। ये पैंडेमिक के पहले लोग ऐसी बातें करने लगे थे। एक छोटा सा वायरस दुनिया को बंदी बना के रख दिया। तो इसलिए जो लोग अपने आप को भगवान समझने लगते हैं, उनको एक छोटे से वायरस ने औकात दिखा दी पूरी दुनिया को, पूरी साइंस को। यह साइंस के ऊपर तमाचा था, एक छोटा सा वायरस, इतनी लंबी चौड़ी बातें, सूरज पे जाना, चांद पे जाना, यहां वहां सभी जगह आप जा रहे हैं, छोटे से वायरस के चलते बंदी बन गए। मतलब रेसिडेंट से प्रेसिडेंट तक सभी बंदी थे, सभी लॉकडाउन में थे, क्यों भाई। और जब लोग इतने मरने लगे तो हमें लगा कि इट बिकम्स आवर ड्यूटी। हमने बिना कोई चार्ज किए, बिना कोई दिन रात का वो किए, वी स्टार्टेड क्योरिंग पीपल, बिना कोई दवा के, बिना कोई पैसे लिए, और विद इन अ मैटर ऑफ 3-7 डेज
95-96% पेशेंट्स को 3 दिन में, 3-4% पेशेंट्स को 3 से ज्यादा दिन लग गए, मैक्सिमम 7 डेज। वो जो 3 से वो उनको हम नॉर्मल नहीं मानते क्योंकि कोई स्टेज 4 कैंसर का पेशेंट है, कोई किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है, कोई ऐसे कोई बहुत ज्यादा ओबीज है, बहुत ज्यादा मोटा है, तो उनको हो सकता है 3 दिन में ना हो, तो 7 दिन में तो हो ही जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग, एटलीस्ट इस हॉल में जितने लोग अपने पैर पे चल के आए हैं, वो 3 दिन में क्योर हो सकते हैं। उसका फॉर्मूला आपको अगर चाहिए वो हमारे YouTube चैनल पे है, वो आप जाके देख सकते हैं। है बहुत सिंपल, 10,000 बीमारियां हैं नोन टू मैनकाइंड, ओनली 10,000, मतलब 10,000 से थोड़ी कम है, लेकिन मैं राउंड ऑफ करके आपको बता रहा हूं, 10,000 के आसपास बीमारियां हैं। इंसान को इतनी ही बीमारियां पता है, लेकिन बीमार होने के तरीके 2 हैं। या तो बीमार करने वाला कीटाणु, पैथोजेन कहते हैं उसको, बाहर से आएगा, जैसे कोरोना, जैसे कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन, जैसे कोई वायरल इंफेक्शन, फंगल इंफेक्शन बाहर से आएगा, या अंदर का सेल पैथोजेनिक हो जाएगा, जैसे कैंसर, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज। तो पैथोजेन या तो बाहर से आएगा या अंदर का सेल पैथोजेनिक हो जाएगा, यही 2 तरीके हैं बीमार पड़ने के। बाहर से अगर कोई सेल आया तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी टेम्परेचर रेज करेगी। पूरी दुनिया क्या कर रही है, टेम्परेचर कम कर रही है। एलोपैथी बोल रही है हमारे पास तो पैरास्टामोल है, आयुर्वेद बोल रहा है हमारे पास सुदर्शन वट्टी है, हमारे पास ये है, होम्योपैथी बोल रहा तुम दोनों बेकार, हमारे पास नक्स वोमिका है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं। आर वी हेल्पिंग द बॉडी और हार्मिंग द बॉडी? इसीलिए साइंस परसू करना जरूरी है, दुनिया के भेड़ चाल में फंसने की जरूरत नहीं, और तभी हम इतने पेशेंट्स क्योर कर पाए। 15,000 वी क्योर देम विदाउट एनी मेडिकेशन। दूसरा, फर्स्ट डे फीवर होगा, फीवर से मौत नहीं होगी, प्लीज। फीवर से डिहाइड्रेशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन से आप अगर, उसमें बहुत स्टेजेस हैं, मौत तक आने में बहुत स्टेजेस हैं, उसमें मौत हो सकती है लेकिन स्टेजेस बहुत, आपके पास टाइम बहुत। इमीडिएटली फीवर आया और डेथ हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये बॉडी आपने नहीं बनाई है, उसने बनाई है, तो उसमें बहुत ज्यादा आपके पास टाइम है, घबराने की जरूरत नहीं। और थोड़ा बर्दाश्त करना सीखना बहुत जरूरी है, तो आप उसको हाइड्रेट करिए। फीवर से डिहाइड्रेशन होगा, आप उसको हाइड्रेट करिए, पानी पिलाइए 24 घंटे में मैक्सिमम। वैसे तो 7-8 घंटे में ठीक हो जाता है मैक्सिमम लोगों का, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा मैं एक भी इंसान को नहीं जानता हूं जिसका फीवर कम नहीं हुआ, सिर्फ पानी पे रखने से। नेक्स्ट डे मॉर्निंग बॉडी क्या करेगी कि कुछ कुछ सेल्स भी अफेक्टेड हो गए ना, चूंकि वायरस अटैक हुआ है तो कुछ सेल्स भी अफेक्टेड हो गए। सेल्स को कैसे मारेगी बॉडी, तो सेकेंड डे बॉडी तेजी से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम करती है ताकि वो सेल्स मर जाए, और जो नॉर्मल सेल्स हैं बॉडी के उनको मालूम है कि इस ट्रांजिशन में जाना कैसे है, वो नहीं मरते हैं। बॉडी ने ये किया है, आपने क्या किया, ऑक्सीजन दे दिया, आपने ठीक उल्टा किया, आपने बॉडी के विजडम को समझा नहीं। जब तक आप बॉडी के विजडम को समझेंगे नहीं, तब तक ऑक्सीजन की कमी हो गई दुनिया में, ऑक्सीजन के प्लांट लगने लगे। पहली बात तो कहां जा रहे हो, कितने लोग, अच्छा मैं किसी से पूछना भी चाहूंगा, आप अंदर क्या लेते हो सांस में और बाहर क्या छोड़ते हो? बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं लेते हो, हवा लेते हो आप, क्या बात कर रहे हो, हवा लेते हो आप। इस बॉडी को पता है उसमें से कितना ऑक्सीजन निकालना है, क्योंकि ऑक्सीजन आग लगाती है। ऑक्सीजन दे दिया, सीआरपी बढ़ गया पेशेंट का, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, निमोनाइटिस हो गया, क्यों हुआ,
आग लगाई है आपने, हवा दे देते, हवा देते हम, हमने एग्जैक्टली वही किया, हमने हवा दिया, ऑक्सीजन नहीं दिया। हवा देंगे कैसे? बाहर से देने की बहुत जरूरत नहीं है, बहुत कम लोगों में जरूरत पड़ी बाहर से देने की, बहुत कम। मैक्सिमम लोगों को पेट के बल लिटा दीजिए। जब आप पीठ के बल लेटते हैं एक नॉस्ट्रिल चलता है, पेट के बल लेटेंगे दोनों नॉस्ट्रिल खुल जाते हैं, आप डबल डबल हवा ले रहे हैं। आपका ये जो ब्रह्म है इसको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम बाहर बाहर से चीजों को समझते रहेंगे, कभी भी अंदर से चीजों को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए बेस्ट जर्नी बाहर का भ्रमण नहीं है, अंदर का भ्रमण है, उसी को मेडिटेशन कहते हैं। इट्स अ जर्नी इनवर्ड्स। आउटसाइड जर्नी इतनी खुशियां नहीं देंगी जितना जर्नी इनवर्ड्स देगा। तो ये बातें समझने वाली बातें। कमिंग बैक टू दिस, थर्ड डे, फर्स्ट डे बिल्कुल फास्ट पे रहिए और जानवरों से सीखिए। आपके घर में कुत्ता होगा, बीमार पड़ता है, सबसे पहला काम करता है खाना छोड़ता है, और आप क्या खाएं क्या ना खाएं इस चक्कर में रहते हैं। और मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज की बात कर रहा हूं मैं, प्लैनेट अर्थ पे मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशी। वैसे कई बार मुझे डाउट होता है कि ये सर्टिफिकेट इंसान को किसने दिया, हमने खुद को ही दे दिया सर्टिफिकेट, हमने और किसी स्पीशी को पूछा? कभी आप देखेंगे कि स्पाइडर अपना वेब कैसे बनाता है, वो हमारे ख्याल से वीडियो कई बार वायरल ये हुआ है, अगर आप देखेंगे स्पाइडर वेब कैसे बनाता है आप शर्मा जाएंगे कि शायद हमारी साइंस को ये पता ही नहीं है ये होगा कैसे। एक कुत्ते के सामने भोजन आप रख दीजिए, एक बार सूंघ के बता देगा खाना है कि नहीं खाना है। हमें आज तक नहीं पता चला क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हम आज तक कंफ्यूज घूम रहे हैं। और हमें मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशी ऑन प्लैनेट अर्थ, कैसे, किसने दिया ये सर्टिफिकेट, आई डोंट नो। एनीवे इट इज डिबेटेबल, सोचने वाली बात है कि क्या हम डिजर्व करते हैं क्या। आपको कैसे पता है कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड में पॉपुलेशन सिर्फ इंसान है? हाउ डू यू नो? बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। अब तक तो लगता था कि सिर्फ ये नौ ग्रह हैं, नौ ग्रह तो इस गैलेक्सी में है, ऐसे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। आपका टीवी कभी अगर बंद होता है तो वो अचानक जोर से आवाज आती और वो फ्लेक्स आते हैं ना, कभी आपने सोचा वो क्या है? वो दर्शन है कॉस्मोस का, ठीक से देखिएगा नेक्स्ट टाइम, इतनी ही आवाज आती है और वो छोटे छोटे फ्लेक्स वो क्या है? वही है प्लैनेट्स जो आपको दिख रहे हैं। कॉस्मोस इज फुल्ली पॉपुलेटेड, फुल पॉपुलेशन है उसका। तो ये मत समझिए कि यू आर दी ओनली स्पीशी स्टेइंग ऑन प्लैनेट अर्थ, बाकी सब जो प्लैनेट्स हैं वो स्पीशी लेस हैं। ये इंसान की परिकल्पना हो सकती है, कॉस्मोस की परिकल्पना बहुत डिफरेंट है। और चूंकि महाकाल की नगरी में लोग ये बात समझ भी पाएंगे, क्योंकि काल भी यहीं से शुरू होता है और हर कुछ यहीं से शुरू होता है। डमरू से शंकर शिव सूत्र शुरू होते हैं, जितने दुनिया में प्रोनंसिएशंस हैं वो शिव सूत्र से ही आए हैं। जो लोग लैंग्वेज और ग्रामर जानते हैं वो जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। वो शिव सूत्र से ही जीव इतनी और किसी चीज में घूम नहीं सकती है, और जो लोग नहीं घुमा सकते हैं उनके रीजन की भाषा से समझ आ जाता है कि वो किस रीजन के हैं। इसलिए कोई अगर, मैं तो पंजाब का हूं, पंजाबी अगर इंग्लिश बोलता है तो लगता है झूठ बोल रहा है, पहली बात तो
साउथ इंडियन अगर इंग्लिश बोलेगा तो यम यन वो टिपिकल टोन में बोलेगा, बिकॉज ये भाषा ही ऐसी है। ये उनका दोष नहीं है, इस भाषा का दोष है। कभी आपने देखा कि संस्कृत के श्लोक चाहे वो केदारनाथ में पढ़े जाएं, चाहे वो रामेश्वरम में, चाहे वो रामेश्वरम में हो, टोन कभी बदलता नहीं है, प्रोनंसिएशन कभी बदलती नहीं है, कभी नहीं बदलती है। ये भाषा है, भाषा की गरिमा है, और वहीं से वाइब्रेशन आता है। हम लोग वाइब्रेशन से तो थेरेपी भी देते हैं, और एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। आपका हर एक सेल वाइब्रेट कर रहा है, जब वो वाइब्रेशन कम हो जाते हैं तो डिजीज होते हैं। कैंसर में वो तो हार्डली वाइब्रेट करता है, वो ऐसे ऐसे चलता है, नहीं तो 72 हर्ट्ज पे वाइब्रेट करता है। और उस वाइब्रेशन को सेट करने के लिए आपके पास, आप अपनी पूजा पद्धति में चले जाइए, वो वाइब्रेशन सेट हो जाएगा। शंखनाद कर लीजिए, उससे भी वाइब्रेशन सेट हो जाता है। घंटी बजा लीजिए, उससे भी वाइब्रेशन सेट हो जाता है। और आपको लगता था कि ये हीलिंग मोडालिटीज नहीं है, पैरास्टामोल ही खा के हील होंगे, नहीं है ऐसा, नहीं है ऐसा। आप देखिए, हम इस पे लगे हैं, जो पाइनियल ग्लैंड पे मैं PhD कर रहा हूं, हम इसको डीकैल्सिफाई करते हैं, स्टेज 4 कैंसर्स रिवर्स होने लग रहे हैं। स्टेज 4 को कभी स्टेज 1 में आते हुए सुना है क्या? स्टेज 0 पे आते हुए, कैंसर खत्म होते हुए, हमारे पास 24-25 पेशेंट्स हैं जिनका कैंसर खत्म हो गया है, फिनिश्ड, नो कैंसर एट ऑल। कैसे? आहार ही औषधि है, और रिक्वायरमेंट ये है कि आप उस डिजीज प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी रखें। कैंसर पेशेंट्स को ये बात में जो डॉक्टर्स सुनेंगे उनको ये इस बात पे गौर करना बहुत जरूरी है। कैंसर का टेस्ट हम कैसे करते हैं? पेट स्कैन करते हैं, वो आपने सुना होगा, है ना? पेट स्कैन कैसे होता है? FDG से, मैं ही करता हूं, मैं न्यूक्लियर मेडिसिन का डॉक्टर हूं, मैं ही पेट स्कैन करता हूं। FDG से करते हैं। FDG का फुल फॉर्म क्या है? फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज। वो हम इंजेक्ट करते हैं और कैंसर सेल उसको ले लेते हैं। इसका क्या मतलब है? कैंसर को ग्लूकोज बहुत अच्छा लगता है, कैंसर लव्स ग्लूकोज, और तभी वो दिखने लगता है, तभी हम उसको बोलते हैं कि ये कैंसर स्प्रेड है, यहां है, वहां है, हर जगह है। बेसिक बात क्या थी? कैंसर का खाना है ग्लूकोज। आप खाने में से ग्लूकोज काटते क्यों नहीं है? क्या ये रॉकेट साइंस है? रेडियोथेरेपिस्ट से जब बात करें, जब भी मैं बात करता हूं रेडियोथेरेपिस्ट से, वो बोलते हैं हमारे टेक्स्ट बुक्स में तो आया नहीं। अरे तुम साइंटिस्ट नहीं हो क्या? मैं कोई ऐसी बात बोल रहा हूं जो अनसाइंटिफिक है क्या? गौर करने वाली बात नहीं है क्या? व्हाई आर यू वेटिंग दैट समबडी फ्रॉम द वेस्ट विल सडनली राइज अप, राइट अ पेपर ऑन इट एंड सेंड, देन अ प्रोटोकॉल विल बी मेड, देन द पेशेंट विल बी सेव्ड? क्यों भाई? तो ये जो इनोवेशंस हैं, ये जब तक हम नहीं करेंगे, पेशेंट ठीक नहीं होंगे। दैट इज हाउ वी हैव स्टार्टेड एंड दैट इज हाउ वी हैव टेकन इट फॉरवर्ड, चाहे वो कोविड हो, चाहे कैंसर हो। इन बिटवीन एनी एंड मेनी डिजीजेज वी हैव क्योर्ड एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ क्योरिंग, एंड मोस्ट ऑफ दीज डिजीजेज विच पीपल हैव आर क्योरेबल, मोस्ट ऑफ देम। मैं मोस्ट इसलिए यूज कर रहा हूं, वैसे तो ऑल ऑफ देम आर क्यूरेबल, लेकिन हो सकता है कुछ हम ना कर पाए, कुछ हमें आइडिया ना हो कि कैसे करें, ये संभव है, इसलिए मैं मोस्ट वर्ड यूज कर रहा हूं। सो मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर क्योरेबल डिजीजेस। आप ये ना समझें कि ये क्योर नहीं हो सकता है। तो आपके जो भी मन में संशय है वो आप लिख के रखें, इसीलिए मैंने उनको बोला भी था कि आप ये लिख के रखें, सो दैट वील हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन एंड वी विल टेक इट अप। अच्छा, घुटनों की बात किए बिना हम इसको ये नहीं करेंगे,
घुटने जिनके भी खराब हैं, वो अगर चाहे तो इस पे वो भी कर सकते हैं। इसको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? वो अगर चाहे तो उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। एक घंटे आपको देने होंगे रोज। एक तो हम लोग ज्यादातर 95 के बाद, 96 के बाद जब नरसिम्हा राव जी ने इकोनॉमी खोल दी थी, भारत समृद्ध बनने की स्थिति में जब जा रहा था, 96 के पहले का डेटा उठा के देख ले कि भारत में कैंसर, प्रोस्टेट के कैंसर कितने थे, 96 के बाद प्रोस्टेट के कैंसर कितने आए, ये डेटा आपको मिल जाएगा गूगल पे। थोड़ा डेटा एनालिसिस करके देखिए, अनहर्ड ऑफ था प्रोस्टेट का कैंसर भारतीयों में, अनहर्ड ऑफ था, सुनाई नहीं पड़ता था कि किसी को प्रोस्टेट का कैंसर है। क्यों अचानक प्रोस्टेट के कैंसर्स बढ़ गए? क्योंकि जो इंडियन टॉयलेट्स है वो तोड़ तोड़ के हमने वेस्टर्न टॉयलेट लगा दिए। अगर आप उस स्क्वाटिंग स्टाइल में बैठ जाते, प्रोस्टेट में ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो जाता, ना प्रोस्टेट एनलार्ज होता, ना उसमें कैंसर होता, ना इंफेक्शन होता। इसीलिए भारतीयता पे वापस आना बहुत जरूरी है। अभी प्रधानमंत्री अनाउंस कर रहे थे लास्ट 15 अगस्त को, अब 15 अगस्त आ गया ऑलमोस्ट, कि गुलामी की हर वो चीज हमने दिमाग से निकालनी है। पहली चीज जो 75 साल पहले जानी चाहिए थी वो था ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। 2 जून भोजन पे आ जाइए, भारतीय विधा है ये। भारत में 2 जून भोजन की ही बात होती है। अगर 2 जून भोजन पे आप आ जाएंगे, यकीन करके चलिए 100 साल जीना मुश्किल नहीं है। और वैसे भी 100 साल, इट इज नॉट द नंबर ऑफ इयर्स दैट इज इंपॉर्टेंट। इयर्स तो लोग ज्यादा भी जी जाते हैं, 60 साल के बाद हॉस्पिटल आना जाना ये लगा हुआ है, उसके बाद लंगड़े हो गए, फिर लाठी लेके चल रहे हैं, ऐसी स्थितियां नहीं आनी चाहिए। तो ये कैसे होगा? आप सीधी सीधी भारतीयता पे आ जाइए हर चीज में, आप देखेंगे कि आपका हेल्थ, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस्ड, ये एक इतने सालों से योग से बड़ा बल नहीं। और योग सिर्फ वो आसन प्राणायाम से नहीं होता है, योग कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है। और जब आप चरण स्पर्श करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आशीर्वाद, खुश रहो। हैप्पीनेस से बड़ा आशीर्वाद हो नहीं सकता है, इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं हो सकता है। और ये भारतीयता है। और इसीलिए कई बार हीलिंग के दौरान हम भारतीयता की बात करते हैं, बिकॉज आप अगर इस पे आ गए तो आपका ही फायदा है। तो आप देखें, यूजुअली हमने नीचे बैठना छोड़ दिया है, तो हमें कुछ ना कुछ, कोई एक गर्म पानी लेके जहां तक आप जा सकें वहां तक बैठिए, यूजुअली ऐसे बैठना चाहिए, और पानी पीना चाहिए। कई लोग पूरा पैर नहीं रख पाते हैं तो वो ऐसे बैठ जाते हैं, वो भी उतना बुरा नहीं है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि पूरा ऐसे बैठे, लेकिन एक दिन में नहीं, जहां तक वो बैठ पाए, उससे ज्यादा फोर्स ना करें। होता क्या है, ये दोनों घुटने जो है, जो नीचे का है टिबिया, ऊपर का फीमर, एक्सरे में आपको ऐसे दिखता होगा, आपने देखा होगा ऐसे दिखता है। ये दोनों के बीच में जब गैप कम हो जाता है, उसको बोलते हैं नी को रिप्लेस करना पड़ेगा, उसका वो सूख गया है, पानी सूख गया, पता नहीं क्या क्या स्टोरीज बताते हैं लोग, तो ये वापस कैसे आएगा?
पहले कैसे था? ये जो मसल्स हैं उसको खींच के रखते हैं, हमने नीचे बैठना छोड़ दिया है, ये मसल्स लैक्स हो गए हैं, तो ये ऐसे आ गए हैं। दूसरा, हमने पैर में चप्पल पहनना शुरू कर दिया, चप्पल फ्लैट होता है, आपका फुट फ्लैट नहीं है, ऊपर वाले ने कोई गलती की थी क्या? आपका फुट ऐसे है, आर्च्ड है, फ्लैट नहीं है, ये आर्च बना हुआ है, आपने फ्लैट चप्पल पहन लिया है। दूसरा, इलेक्ट्रिकल बॉडी है ये, दिस इज एन इलेक्ट्रिकल बॉडी, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो हाथ पैर वही रहते हैं, खत्म, डेड, वी डिक्लेयर देम डेड। और लास्ट चीज हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं उसको वापस रिवाइव करने के लिए। साइंस क्या है, अगर इलेक्ट्रिसिटी रिवाइव हो गया तो मैकेनिकल फंक्शंस इलेक्ट्रिसिटी खुद ही रिवाइव कर लेगी, इसलिए इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। तो क्यों दिया, इलेक्ट्रिसिटी रिवाइव करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी अगर ज्यादा हो गया, कभी आप फोन लगा रहे हैं, कभी ये लगा रहे हैं, तो ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बॉडी में ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे, अंदर चप्पल पहना हुआ है आपने, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो बॉडी में घूमेगी, ब्रेन में जाएगी तो एपिलेप्सी कॉज करेगी, हार्ट में जाएगी तो एट्रियल फिब्रिलेशन कॉज करेगी, किडनी में जाएगी तो वाइब्रेशन कॉज करके श्रिंक कर देगी उसको, ये एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है। पांव जमीन पे रखिए, जिनके पांव जमीन पे नहीं है वो बहुत दिनों तक जमीन पे रहेंगे नहीं। तो आप देखेंगे जब आप एक तो फिगर ऑफ एट वॉकिंग कोई चीज बीच में रख लीजिए और आठ बनाइए, इसमें आपको जो जो एंगल में पैर मुड़ रहा है वहां वहां के एंटीरियर पोस्टीरियर ये क्रूशिएट लिगामेंट्स टाइट हो रहे हैं, वो गैप आपका बढ़ाएंगे। दूसरा, ये 10 मिनट तक करना है, घड़ी देख के 10 मिनट तक, स्पीड मैटर नहीं करता है, टाइम मैटर करता है। और पैर में कुछ होना नहीं चाहिए, खाली पैर, या तो घास पे चलिए या फिर जमीन पे चलिए, कोई जरूरी नहीं है कि, क्योंकि हमारे बहाने भी कई होते हैं ना, आज ठंड बहुत था, बरसात हो रही, मतलब हमें बहाने ही चाहिए, हमारा तो कोई दोष ही नहीं है, सब मौसम का। कभी इसका डायबिटीज पूछो तो बोलेगा मैं तो फैमिली में है जी, मतलब मेरा तो कोई दोष ही नहीं है, इस खानदान में पैदा हो गया मैं, ये खानदान ही खराब है, मेरा कोई दोष नहीं है। तो हम दोष दूसरों को देते हैं, इसलिए हम कैसे कैसे करें ताकि ये चीजें ठीक हों। तो आपको 10 मिनट ऐसे चलना है, फिगर ऑफ एट। नाउ पैरों को बिल्कुल साइड से, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग इंटीग्रेटेड मेडिसिन में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स देख चुके हैं, पूरा का पूरा बॉडी का रिप्रेजेंटेशन आपके फुट पे है, वो ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं, उसको ठीक से प्रेस किया जाए तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, जो आप कंकड़ पत्थर जो गढ़ते हैं वो गढ़ना जरूरी है, वो आपके प्रेशर पॉइंट्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर रहे हैं, गद्देदार उस पर चलना ठीक नहीं है, नहीं ठीक है, वो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे जरूर, इसीलिए पांव धरती पे रखना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी झुर्रियां ना पड़े, अगर आप चाहते हैं कि आप चिर युवा रहें, तो कम से कम 10 घंटे पांव जमीन पे रखिए, आप देखिए आपकी झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, यू विल नॉट लुक ओल्ड। तो दूसरा क्या करना है 10 मिनट्स तक, एकदम साइड पे चलना है 10 मिनट तक, चलते रहना, मतलब आगे पीछे करके चल सकते हैं। फिर नेक्स्ट 10 मिनट्स क्या करना है,
ऐसे चलना है, फिर और 10 मिनट के क्या चलना है, ये चवे पे आ जाइए, फिर लास्ट 10 मिनट्स क्या करना है, नहीं सेकंड लास्ट, ऐसे चलना है और बिल्कुल लास्ट में ऐसा समझिए कि पेल्विस से लेके फुट तक कोई जॉइंट नहीं है, सीधा एक पाइप, ये नी जॉइंट है ही नहीं, तब तब आप कैसे चलेंगे? अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो 45 दिन बाद फिर से एक्सरे करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हुआ क्या, आपने तो कोई दवा नहीं यूज की। इसके साथ साथ जो आहार है आपका वो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो पेशेंट को देखते हैं वीडियो पे देखते हैं, पूरी दुनिया में देखते हैं, मतलब पेशेंट्स को, सिर्फ जैसे आपको अगर देखना है तो हम अगर कल को यहां पे नहीं है तो आपको वीडियो पे देख सकते हैं, या आपके कोई इंग्लैंड में रिलेटिव है उनको वीडियो पे देख सकते हैं, क्योंकि आप जो वर्चुअल ओपीडी कंडक्ट करते हैं, हम पूरी दुनिया में लोगों को देखते हैं, तो वो देख के सबसे सबसे पहली चीज ये डिसाइड करते हैं कि आहार इसका क्या होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम जो ट्रीटमेंट हम उसको बता रहे हैं कि इसका आहार सुधारना बहुत जरूरी है। इसलिए आप ये देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द डिजीजेस, बहुत से लोग, बहुत सी डिजीजेस, जैसे हमने घुटने की बात की, घुटने का प्रॉब्लम सिर्फ घुटने का ही प्रॉब्लम है जरूरी नहीं है, ओबेसिटी का ही प्रॉब्लम है, ओबेसिटी भी एक फैक्टर है, धूप में आप नहीं जाते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक फैक्टर है, इंसुलिन आपका ज्यादा है, हार्मोनल चैलेंजेस में घूम रहे हैं आप, वो भी एक फैक्टर है, तो इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है, मल्टी फैक्टोरियल है, इसीलिए मल्टीपल फैक्टर्स को यह करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर आप अगर उन फैक्टर्स को कंट्रोल करके आप अगर इस स्थिति में चलते रहें तो 45 डेज में यू विल सी कि आपको लग रहा था कि अब तो घुटने रिप्लेस किए बिना होंगे नहीं, ये घुटने तो ठीक होने के रास्ते पे चल पड़े हैं। तो आप ये जरूर ट्राई करें और आप देखें पूरा का पूरा इसमें, यस 45 डेज में आपका कम से कम, अगर आप ठीक से, हम जो बोल रहे हैं अगर ठीक से आप फॉलो करते हैं, क्या लगता है कितना कितना वजन कम हो जाएगा 45 डेज में? वीएलसीसी कितना कम करता है? जो लोग वीएलसीसी गए होंगे कोई एक बताए भाई, कितना कम करता है? हाँ बिल्कुल ठीक बोला इन्होंने, 6-7 किलो कम करता है, 5 किलो वो बोलते हैं लेकिन वो वापस आ जाता है नेक्स्ट 45 डेज में, इट कम्स बैक, राइट। तो आप 45 डेज में अगर हमारे डाइट प्लान पर रहेगा तो क्या एक्सपेक्ट करते हो, कितना वेट कम होगा? हाँ ऑलमोस्ट डबल ऑफ व्हाट वीएलसीसी क्लेम्स, डबल ऑफ दैट, प्लस एनर्जी लेवल आपका इतना हाई रहेगा, और प्लस हमारा थोड़ा टफ फॉलोअप होता है। टफ फॉलोअप मतलब हम ये जानते हैं कि 3 डेज में बॉडी हैबिट फॉर्म करती है, 7 डेज में एनालाइज करती है बॉडी, 21 डेज में हैबिट हो जाता है परमानेंट, और इसीलिए हम 30-45 डेज का फॉलोअप देते हैं पेशेंट, और 30 डेज तक हमारा फॉलोअप थोड़ा टफ होता है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से लोग आपको पूछना शुरू करेंगे कि आपने अपना ब्लड प्रेशर नहीं भेजा, आपने अपना ये नहीं भेजा, लोग तंग आके भेजते, चलो यार मैं भेज देता हूं, जो नहीं कर रहे हैं वो बोलते हैं अच्छा यार कोई देख रहा है, मैं तो ये ठीक नहीं कर रही हूं, चलो मैं कर ही लेती हूं,
उसमें क्या होता है कि 21 दिन के बाद उनकी हैबिट पड़ जाती है। उसके बाद उनको लगता है कि मैं अब तक कहां पे फंसा हुआ था, जीवन तो यही है, मैं कहां फंसा था। उसके बाद आप उसको पोहा ऑफर करके दो, जलेबी ऑफर करके दो, वो खाएगा ही नहीं, क्योंकि वो ये टेस्ट कर चुका है कि इतना कम टाइम में मैं इतना ठीक हो सकता हूं जैसा मैं सोच भी नहीं सकता था। लोग सालों साल मेडिसिन खाते हैं, कभी ठीक नहीं होते हैं। एनर्जी लेवल लो रहता है लोगों का, इसमें एनर्जी लेवल इतना हाई रहता है आप सोच नहीं सकते। इसलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ कमिंग टू कैंसर, वी हैव डिस्कस्ड डायबिटीज, वी हैव डिस्कस्ड द पैंडेमिक, वी हैव डिस्कस्ड नीज, द लास्ट टॉपिक कैंसर। क्या लगता है कैंसर जेनेटिक डिजीज है? स्टार्ट बींग ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स। जीन्स को ब्लेम करना मतलब मां बाप को ब्लेम करना, मेरी तो कोई गलती नहीं है। एंजेलिना जोली ने अपने ब्रेस्ट कटवा दिए क्योंकि उनको बोल दिया गया कि तुम्हारी दादी को भी था, तुम्हारी मां को भी सेम जीन्स है, तुमको भी है। तो वो सोची कि मेरे को तो ये दोनों को ब्रेस्ट कैंसर था, मेरे को तो होगा ही। आप इसमें फंसो मत। और मैं जब बात कर रहा हूं, मैं एक साइंटिफिक आदमी हूं, मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा जो साइंटिफिकली साइंटिफिक प्लेटफॉर्म्स पे करेक्ट ना हो। तो जेनेटिक फैक्टर्स ऑफ डिजीज हैव टेकन अ बैक सीट एंड एपिजेनेटिक्स हैज कम। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स हैज कंप्लीटली चेंज्ड, कंप्लीटली। अब तक आपको लगता था कि ये जीन है, जीन का तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ये एक मां से आता है, एक बाप से आता है, ये एक रिसेसिव होता है, एक डोमिनेंट होता है, हमने यही पढ़ा है। अब ये चीजें वहां तक तो ठीक था, इसके और आगे बढ़ गई। उसका एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूं। जीन्स अगर देखना है तो एक सीड को देखिए। सीड में पूरा ब्लूप्रिंट है पेड़ बनने का, उसमें आप कुछ अंदर में चेंज तो नहीं करते हो ना, कि करते हो? नहीं करते हो ना। सीड में पूरा ब्लूप्रिंट है पेड़ बनने का, तो उसको अगर आपने फर्टाइल सॉइल में डाल दिया तो पेड़ बन जाएगा, उसको आपने डेजर्ट में फेंक दिया जल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या था? सीड इंपॉर्टेंट नहीं था, एक्सटर्नल एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट था। उसी तरह अगर सीड में डिजीज है, हम एक्सटर्नल एनवायरमेंट चेंज कर देते हैं, वो कभी मैनिफेस्ट ही नहीं करेगा। Even if it is there in the genes, you change the external environment, it will never manifest. तो genotype में होगा, phenotype में नहीं आएगा। इसी को epigenetics कहते हैं, जो मैंने आपको समझाया अभी। इसको समझने के लिए छह महीने साल लगते हैं। वो students को, वो class में आते हैं, वो teacher आते हैं, पढ़ाते हैं, पता नहीं बहुत time लगता है। epigenetics का clear cut concept बहुत कम लोगों का है। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसीलिए जेनेटिक डिजीज, हीमोफिलिया, ए प्लास्टिक एनीमिया और ये कौन सा वो हॉस्पिटल था जहां पर हम लोग गए थे चेन्नई में, थैलेसीमिया, तो थैलेसीमिया, ये सभी जीन्स सोचते हैं कि क्योरेबल नहीं है। हमने हर वो पेशेंट क्योर किया है। वी हैव टेलीफोन नंबर, एड्रेसेस ऑफ ऑल दीज पीपल, यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट, यू कैन गो एंड मीट देम एट वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। मेनी ऑफ देम आर इन इंडिया, कुछ बैंगलोर में है, कुछ चेन्नई में है, उनका सबका एड्रेस भी दिया हुआ है। जेनेटिक डिजीज, अब तो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, अब तो ये बोन मैरो रिप्लेस करना पड़ेगा, इस स्थिति में वो चलते रहे, ये सारे क्योर्ड है, दे डोंट हैव द डिजीज एनी मोर। और ये कोई मिरेकल नहीं है, वी वर्क वेरी हार्ड और हम
डिजीज के अंडरस्टैंडिंग पे वी ट्राई टू क्योर द डिजीज कंप्लीटली। तो इसमें सिर्फ दैहिक नहीं, दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक, इन तीनों का सहारा लेना पड़ता है। बिकॉज ये जो आपको शरीर दिख रहा है ये अन्नमय कोश है, इसको चलाता है प्राणमय कोश, आपका प्राण चलाता है उसमें, आपके प्राण को चलाता है आपका मन, मनोमय कोश, मन को चलाता है। जब ये तीनों ठीक ठीक चलने लगते हैं तो आपका विज्ञानमय कोश खुल जाता है और तब आप बहुत आनंदित हो जाते हैं और आनंदमय कोश खुल जाता है। तो ये पांच कोश हैं बॉडी के। तो अगर डिजीज सबसे पहले मनोमय कोश में आता है, मेरा आपसे मन मिलता नहीं है, मैं आपसे नफरत करता हूं, तो आपका शायद मैं कुछ ना बिगाड़ पाऊं, अपना जरूर बिगाड़ लूंगा। मन में डिजीज आ गई, वही जो मन में डिजीज आती है पेशेंट के ऑरा में आ जाती है। हमारे पास वाइब्रेशन थेरेपी में वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैं तो डायग्नोस्टिक का मतलब इंसान हूं, लेकिन वो अन्नमय कोश की डिजीज के लिए हमारे पास उसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो हम देख लेते हैं कि ये ऑरा में आ गया है डिजीज, आपका ऑरा चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे वो ऑरा आपकी शक्ल भी चेंज कर देगी, लेकिन सबसे पहले ऑरा में आता है, दैट कैन बी डायग्नोस्ड, वो हम करते हैं। तो आप सिर्फ अन्नमय कोश में, ये सर्जन्स जो मेरे सर्जन फ्रेंड्स हैं, ऑंको सर्जन्स, कैंसर तो हमने पूरा ही निकाल दिया था, फिर ये कैसे बोन में आ गया, फिर ये कैसे लीवर में आ गया, पूरा ही निकाल दिया था हमने, कुछ भी नहीं छोड़ा था, कोई लिम्फ नोड भी नहीं छोड़ा था, फिर ये कैसे आ गया, कुछ कुछ सेल्स रह गए होंगे, वो सेल्स फिर से मल्टीप्लाई किए, बस सोर्स बॉडी में है ही नहीं, सोर्स उसके मन में है, मनोमय कोश में बैठा हुआ है। तो साथ साथ आप मनोमय कोश अगर क्लीन नहीं करोगे तो आप कैंसर क्योर नहीं कर पाओगे, आप उसको काट के निकालोगे वो फिर आ जाएगा। और कैंसर एक टेररिस्ट सेल है, टेररिस्ट को मार के टेररिज्म खत्म नहीं होता है, आपको टेररिज्म के फिलॉसफी पे अटैक करना पड़ेगा। सर्जरी क्या है, कट इट आउट, मार दिया आपने, काट दिया उसको। रेडियोथेरेपी क्या है, जला दिया। कीमोथेरेपी क्या है, पॉइजन कर दिया। ये सब मारने के टेक्निक्स हैं और टेररिस्ट को मार के टेररिज्म खत्म नहीं होगा। इसीलिए मॉडर्न मेडिसिन में क्योर की बात नहीं करते हैं, कैंसर सर्वाइवर की बात बोलते हैं। कैंसर सर्वाइवर नहीं होना चाहिए, कैंसर इरेडिकेट होना चाहिए। इतने सालों से हम कर रहे हैं, अभी तक तो कैंसर बढ़ ही रहा है, कम तो हो नहीं रहा है। इसलिए साइंटिफिक कम्युनिटी भी दे आर एट देयर विट्स एंड। और इसमें ये दवाइयां भी हैं, क्या दवाइयां कारगर हैं, क्या कैंसर की दवा से कैंसर खत्म हो गया, डायबिटीज की दवा से डायबिटीज खत्म हो गया, ब्लड प्रेशर की दवा से ब्लड प्रेशर खत्म हो गया। उम्र भर दवा लेने को खत्म नहीं कहते हैं, खत्म का मतलब है ये बीमारी खत्म, इसके बाद ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कोई दवा लेने की जरूरत नहीं, दैट इज कॉल्ड क्योर। तो ये क्योर नहीं है, मैनेजमेंट। आपको अगर क्योर होना है तो आपको अपने अंदर वो आमूलचूल परिवर्तन करने पड़ेंगे जिससे आप क्योर के रास्ते जा सकते हैं। हम आपके लिए गाइड हैं, वी विल बी गाइडिंग यू कि आपको करना क्या है। हम क्योर नहीं करते हैं, क्योर आप खुद ही करते हैं अपने आप को, हम तो रास्ता दिखाने वाले लोग हैं। मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा, आप ठीक होना नहीं होना चॉइस आपका है। सो थैंक यू वेरी मच एंड इफ देर आर क्वेश्चंस आई विल बी ग्लैड टू आंसर। शुगर,
शुगर का आपने देखा होगा, शुगर के जब आपको प्रेस्क्रिप्शन मिला होगा, आपको बोला गया होगा कि हर दो घंटे पे कुछ खाइए, क्योंकि ये डर रहता है कि जो आप दवा खा रहे हैं वो शुगर को लो कर देगी। तो शुगर लो ना हो जाए, क्योंकि ब्लड शुगर में हाइपरग्लाइसीमिया से डर नहीं लगता है, हाइपोग्लाइसीमिया से डर लगता है। अब वो कहते हैं ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है, वाली बात है। हाइपोग्लाइसीमिया से डर लगता है। हाइपोग्लाइसीमिया कैन कॉज डेथ। तो हम लोग क्या करते हैं, जो 3 डे कैंप में, हम सबसे पहले पेशेंट को दवा के तौर पे उसकी स्थिति ऐसी कर देते हैं कि उसका ड्रग बंद कर देते हैं, और उसकी स्थिति ऐसी करते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा। बॉडी कभी हाइपोग्लाइसीमिया कॉज नहीं करती है। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, कई लोग मिसकंसेप्शंस में, जैसे अगर ब्लड शुगर 500 हो गया तो क्या होगा, आपने पूछा था ना प्रश्न, 500 हो गया तो क्या होगा, हार्ट अटैक आ जाएगा? नहीं नहीं, अगर मान लीजिए हो गया तो थ्योरेटिकली सोचिए ना, क्या होगा, किडनी फेल हो जाएगा, ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा, फेंट हो जाएगा, और कोई इनमें से कुछ नहीं होगा, प्लीज, विजन लॉस हो जाएगा, उसके बाद तो नजर ही नहीं आएगा 500 के बाद, है ना। 50 में प्रॉब्लम है, 500 में प्रॉब्लम नहीं है, 40 में, 30 में डेथ हो सकता है, 500 में डेथ नहीं होगा। इसलिए इतना डरने की जरूरत नहीं है। अगर शुगर 350 6 वीक्स तक लगातार है, तब जाके किडनी फेलियर शुरू होता है, तब जाके आई में बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज शुरू होता है। आपके पास 6 वीक्स का पीरियड है। डरने की जरूरत नहीं, डरिए मत, शुगर को नॉर्मल करने के चक्कर में मत रहिए। ये लेवल किसको दिखा रहे हैं आप? कई बार ये लगता है कि पता नहीं ऊपर वाला भी रू निकाल ले आएगा, तो उसको बोलेगा, अरे यार तुम क्यों आए, मेरा तो ब्लड शुगर नॉर्मल है, आई एम नॉट सपोज टू डाई, कम ऑन, तुम्हारा रॉन्ग एड्रेस है शायद, मैं तो मेटफॉर्मिन ले रहा हूं, वो बगल वाला नहीं ले रहा, वहां जाओ वहां जाओ। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। तो आप हाई शुगर से बहुत डरने वाली बात नहीं है, लो शुगर से डरने वाली बात है। इसीलिए हर 2 घंटे पे खिलाया जाता है आपको, ताकि शुगर फॉल ना कर जाए, और शुगर फॉल करेगा तो आप फॉल कर जाएंगे, आप गिर जाएंगे। तो डे 1 को दवाइयां हम बंद कर देते हैं ज्यादातर। कई लोग, उनको लगता है कि पता नहीं दवा बंद करेंगे तो मर ही जाएंगे, जो ये मेंटालिटी के होते हैं उनको फिर डे 2 पे बंद करते हैं, डे 1 उनको चखा देते हैं कि भाई ठीक है तुम हाफ कर दो, और तुम देखो, वो बोलता है डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, तो मोशंस, मैं तो कितने साल से कॉन्स्टिपेटेड था, मेरा तो कॉन्स्टिपेशन 1 दिन में ही ठीक हो गया, हमने कुछ नहीं किया है, आपने दवा विड्रॉ किया, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया। तो 2nd डे वो होता है, 3rd डे तक आते आते उसको ये लगने लगता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, मेरा तो एनर्जी लेवल, तो 3-4 दिन में बड़े आराम से शुगर नॉर्मल हो सकता है, बड़े आराम से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये करते रहते हैं, कई जगह हमें बुलाया जाता है, कुछ 40-50 पेशेंट्स होते हैं, तो हम करते हैं, 3 दिन का कैंप करते हैं, और उसमें करते हैं शुगर नॉर्मल, एब्सोल्युटली उनको फॉलोअप भी देते हैं, उनको बहुत स्ट्रिक्ट फॉलोअप देते हैं, नहीं तो वो फिर जिंदल से कंपेयर करने लगते हैं कि हम तो जिंदल भी जाते हैं, वहां पर ना शुगर नॉर्मल तो हो जाता, फिर वापस आते हैं, फिर हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर फॉलोअप सिस्टम नहीं है। हमारा एक प्रॉपर फॉलोअप सिस्टम है, हम छोड़ते नहीं है आपको, एक बार हमें आपने छू लिया, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको ठीक करके मानेंगे।
क्योंकि हम अपना बही खाता बिगाड़ना नहीं चाहते हैं जी। आप देख नी रिप्लेसमेंट होने के बाद में ये जो अपने वॉकिंग टेक्निक्स दिए हैं जहां तक आप कर सकें। आप देखिए मेरे नीज फ्लेक्सिबल हैं तो मैं तो कैसे भी कर लूंगा। आप जहां तक कर सकें उसको फोर्स मत करिए। हाँ तो आप वो ओ नी रिप्लेसमेंट के बाद मत करिएगा प्लीज। नहीं 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 नी रिप्लेसमेंट के बाद आप उस डॉक्टर को पूछिए जहां से आपने नी रिप्लेस कराया। डोंट आस्क मी। जब तक आपके आपके घुटने हैं हमारा प्रयास है कि आपके घुटने रिप्लेसमेंट में ना जाएं। तो ये जो भी बताया मैंने ये रिप्लेस नी के लिए नहीं है, प्रपोज्ड रिप्लेस नी के लिए है। आप ऐसा सोचा जा रहा है कि छह महीने में मैं नी रिप्लेसमेंट करवा लूंगी तो वो तो ये करिए और आप देखिए सी द रिजल्ट्स। पार्किंसंस या डिमेंशिया ऑफ एनी एंड मेनी फॉर्म्स इज डायबिटीज टाइप थ्री। आपने अब तक टाइप वन टाइप टू सुना होगा, हम उसको टाइप थ्री डायबिटीज कहते हैं। वो डायबिटीज ही है। इनफैक्ट आपने कभी सोचा हार्मोनल चैलेंजेस में जीने वाले लोग हैं हम। रात को नींद नहीं आती है, पाइनियल ग्लैंड काम नहीं कर रहा है, वन थर्ड लेडीज को थायराइड का प्रॉब्लम है, थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा है। ये हार्मोन है, ये भी हार्मोन है, ये भी हार्मोन है, थायराइड भी हार्मोन है और उसके नीचे आ जाइए कैंसर ब्रेस्ट हार्मोनल इश्यू है, उसके नीचे आ जाइए पैंक्रियास इंसुलिन डायबिटीज हार्मोनल इश्यू है, हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उसके नीचे आ जाइए एड्रिनल ग्लैंड्स ब्लड प्रेशर हार्मोनल इश्यू है, हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उसके नीचे आ जाइए पीसीओडीज हार्मोनल इश्यू है, उसके नीचे आ जाइए प्रोस्टेट इंफेक्शन से लेके कैंसर तक हार्मोनल इश्यू है। हम हार्मोनली चैलेंज जनरेशन और हार्मोनल चैलेंजेस क्यों हैं? क्योंकि हमारी जुबान पे लगाम नहीं है। अगर जुबान पे और इंसुलिन दो ही हार्मोन सबसे पावरफुल हार्मोन्स हैं बॉडी में, आपको जानना चाहिए इंसुलिन एंड विटामिन डी। अगर इंसुलिन आपका हाई है तो सभी हार्मोन्स आपके डिसबैलेंस होंगे, सभी बाल भी ज्यादा गिरेंगे, टेस्टोस्टेरोन भी ज्यादा होगा, स्किन भी रफ हो जाएगा, सोरियासिस भी हो जाएगा। ये सभी चीजें हार्मोनल चैलेंजेस से चलती हैं। लीकी गट भी हो सकता है, एलर्जीज भी आ सकते हैं। ये सिर्फ क्यों हुआ? इंसुलिन हाई होने से। इंसुलिन क्यों हाई क्यों हुआ? हर दो घंटे पे आपको कुछ खाना है। पेट में महिषासुर ना घुसाइए, महिषासुर मर्दिनी को ले आइए और 2 जून भोजन पे आ जाइए, जीवन सुधर जाएगा। और सबसे बड़ी बात है द लेडी सिटिंग हियर इफ दे वांट टू लुक 20 years यंगर उसका खाना और ब्यूटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। द मोर द फूड द लेस द ब्यूटी, द लेस द फूड द मोर द ब्यूटी, ऑलवेज रिमेंबर दैट। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, कहाँ से बोले? हाँ ओके ओके या क्या क्या बोले? माइनर थैलेसीमिया। बिल्कुल बिल्कुल, माइनर मेजर दोनों थैलेसीमिया। इनफैक्ट मैं तो ये आपको बोलूंगा कि आप एक काम करिए, अगर कोई बोल ही रहा है कि ये ठीक हो जाएंगे तो एक बार आजमाने में हर्ज नहीं। और बात यह है कि
कि आप 3 महीने बाद फिर से रिपोर्ट आपके पास आ जाए, रिपोर्ट करा लीजिए ना, रिपोर्ट करा के देख लीजिए कि पहले क्या स्थिति थी आज क्या स्थिति है, तो आपको 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 खुद ही पता चल जाएगा। आपके पास हाँ आप आ सकते हैं, आप अगर चाहें तो हमारा नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, ये अपना कॉल सेंटर नंबर है, और हमें आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे। मैं चाहूंगा कि यूट्यूब पे फॉलो करें क्योंकि हम हर वीक कुछ ना कुछ करते हैं, कभी योग शाला कभी हेल्थ शाला हम करते रहते हैं। ये है एट डॉक्टर अवधेश पांडे, ये अपना यूट्यूब चैनल, हाँ, और टेलीफोन नंबर है 98150 98150 99999, ऑल द नाइन्स। तो आप इस पे आप SMS कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऑल विल रीच मी, सो वी विल टेक अप। एंड यकीन करके चलिए, ये जो आपने बताया माइनर थैलेसीमिया एंड और आर्थराइटिस, तो बहुत सिंपल है। माइनर थैलेसीमिया में हमें वो एक बात है, आर्थराइटिस ऑफ एनी फॉर्म इज वेरी सिंपल, whether it is gouty arthritis, whether it is seronegative arthropathy, whether it is rheumatoid arthritis, whether it is spondylo arthropathy, seronegative spondylo arthropathy, ankylosing spondylitis कहते हैं उसको, all these are very very simple to cure, कहीं कोई problem नहीं है उसमें, very simple। minor thalassemia है तो कहते हैं genetic। अभी अभी मैंने बताया जीन्स में डेफिशिएंसी रहने दीजिए ना, यू जस्ट चेंज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इट विल नेवर कम इन द फिनोटाइप, आपको कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइडिया क्या है, पेशेंट अपना लाइफ पूरा जिए और थैलेसीमिया से मौत ना हो, बट मरना तो है ही है, कोई भी जो पैदा हुआ है मरना कंपल्सरी है, ये प्रकृति का नियम है। कई लोगों को लगता है कि ये जो महामृत्युंजय मंत्र है, क्या लगता है आपको, अमरत्व का मंत्र है कि डेथ नहीं होगी? जिन लोगों को लगता है कि ये अमरत्व का मंत्र है उनको गलत लगता है। इस मंत्र का मतलब ये है कि मेरी मौत पीसफुल हो, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कोई आम पेड़ से गिर जाता है तो गिर के फट जाता है, तो वो मौत कोई मौत नहीं है, इसीलिए वो चाहते हैं कि ककड़ी की तरह मेरा बीज ऐसे जाए और मैं आराम से धरती पे गिरूं। उस मंत्र का मतलब वही है। इन सब बीमारियों पर योगाभ्यास कितना कारगर है? हाँ, योग से बड़ा बल नहीं है। योग जो आप आसन वाला योग भारत के लिए कितने दुख की बात है कि योग को योगा बनना पड़ा और आके वापस भारत को अपना परिचय देना पड़ा। योग की भूमि है भारत, कभी कर्म योग जैसे अर्जुन का था, कभी भक्ति योग जैसे तुलसीदास का था, कभी ज्ञान योग जैसे शंकराचार्य का था। इन तीनों कालखंड में भारत बचा है। इन तीनों का अगर ये योग की शक्ति नहीं होती तो भारत बचता नहीं। मतलब इतने साल गुलाम रहने के बाद भी भारत अपने मूल स्वरूप में आज भी है, क्योंकि ये ताकत योग से आती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गीता में लिखा है, योग से बड़ा बल नहीं और सांख्य से बड़ा ज्ञान नहीं। सांख्य एक दर्शन है, मैंने इस पे एक वीडियो किया है। लोग डरते हैं सांख्य दर्शन पे बात करने पे भी डरते हैं। मैं तो बहुत विद्वानों को भी जानता हूं, वो सांख्य दर्शन पे बात करने पे भी डरते हैं। एनीवे, तो योग में जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि,
ये सभी चीजों का उतना ही महत्व है। यम नियम से वैसे जितने भी भारतीय पूजा पद्धतियां हैं जो भारत से निकली हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड सनातन, ये योग से निकली हैं। कभी आप गौर करिए, यम नियम से जैनिज्म निकला है, ध्यान से सनातन निकला है, समाधि से बुद्धिज्म निकला है, और तीनों का लक्ष्य एक ही है, अहिंसा परमो धर्म। योग की ताकत आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन जो आसन भी हैं, आप अगर उस आसन में भी आके देखें, आसन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉस्मिक ब्लिस आपको वेरियस चीजों को उनके पैटर्न पे मिलती हैं। तो आप जब अपना पैटर्न बदलते हैं तो कॉस्मिक ब्लिस आपको ज्यादा मिलती है, इसीलिए आप हेल्दी हो सकते हैं। और योग में वो ताकत है, आप योगशाला प्रोग्राम हमारा देखिए जरूर, बिकॉज उसमें हम ब्लड प्रेशर में क्या योग करना है, डायबिटीज में क्या योग करना है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो क्या योग करना है, वेगल स्टिमुलेशन कैसे करना है, ये सारा कुछ हम लोग 30 मिनट्स में बताते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और योग में वो ताकत है कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो योग ठीक नहीं कर सकता है। जी जी, मेरे ब्रदर को कॉलोमा हुआ था और ऑपरेशन भी हो गया, प्रोटोथेरेपी। अब क्या करना चाहिए, कुछ रास्ता है उसके लिए, क्योंकि तकलीफ तो है उसको और नर्व्स पे भी असर कर रहा है। वो पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। आप इस नंबर पे, जो मैंने आपको नंबर दिया है, आप इसके व्हाट्सएप पे उसका नाम एज वगैरह लिख के मैसेज कर दीजिए, वो टीम से कोई ना कोई रिस्पॉन्ड करेगा, तो वी विल टेक अप एंड वी विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट। किसमें? हाँ, ऑन एन एवरेज 50% ऑफ योर फूड, 2 जून भोजन पे आ जाइए, 50% ऑफ योर फूड हैज टू बी रॉ फूड और 50% कैन बी कुक्ड फूड। कुक्ड फूड को ये सोच के मत खाइएगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है। न्यूट्रिशनिस्ट के एक उसमें मैं एक बार लेक्चर दे रहा था, तो न्यूट्रिशनिस्ट के उसमें मैं एक बार लेक्चर दे रहा था तो उनको मैंने पूछा कि आप एक बात बताइए, आप ये प्रोटीन, वो प्रोटीन, प्रोटीन कहां से आएगा, कार्बोहाइड्रेट है इसमें, फैट है इसमें, आप जो कुक्ड फूड खा रहे हैं, कभी आपने सोचा आप सीड्स खाते हैं, चावल सीड है, दाल क्या है, सीड ही है ना, रोटी क्या है, सीड ही है ना, सीड ही है ना, तो आप सीड्स खाते हैं, सीड हैज द पोटेंशियल एनर्जी टू बिकम अ ट्री। सीड को आपने जला दिया, बॉइल कर दिया, उसको वापस निकाल के गाड़ देंगे जमीन में तो पेड़ उगेगा क्या? क्यों? तो डेड हो गया ना वो, तो डेड फूड आपको लाइफ कहां से दे रहा है? ये सोचने ऐसी बात, इसीलिए लाइव फूड्स विल गिव यू लाइफ। तो हम क्या करते हैं, लाइव फूड्स 50% रखते हैं, 50% टेस्ट जरूरी भी है, यू हैव टू बी टेस्टफुल ऑल्सो। सिर्फ महज बातों से तो फिर वो जिंदगी चलती नहीं, तो टेस्टफुल के लिए आप कुक्ड फूड खा सकते हैं, बट न्यूट्रिशन के लिए रॉ फूड जरूरी है। हाँ, एक मिनट, तो 50% ऑफ योर फूड हैज टू बी रॉ फूड, 50% कुक्ड फूड एंड 2 मील्स अ डे, और सूर्यास्त के बाद भोजन बंद। और शुरू शुरू में अगर दिक्कत है तो पका हुआ भोजन बंद, व्हेन यू वांट टू कम टू दिस, पका हुआ भोजन सूर्यास्त के बाद बंद कर दीजिए। आप जो भी खाएं नेचुरल आप खा सकते हैं, धीरे धीरे आपको जब बेनिफिट 2-3 दिन में दिखने शुरू हो जाएंगे
देन यू विल कम बैक टू दिस जी. बिल्कुल बिल्कुल, जो आप बता रहे हैं ऐसा लगता है कि इट्स अ न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज एंड न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज इज अ डिजीज ऑफ द माइंड. आपने मन में सोच लिया कि ओल्ड एज हो गया है और ये चीज तो होगा ही, थोड़ा बहुत ऐसे होगा, ये आपकी सोच नहीं हो सकती है. ऊपर आपने बूढ़े शेर को चश्मा पहने हुए कब देखा है? आपको क्या लगता है उसको दिखाई नहीं पड़ता है? हम लोग इस बार वो लेके आ रहे हैं 10 महाविद्या. आप अगर आंखों के लिए करें, जिनका लेंस लगा हुआ है उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन जिनका लेंस नहीं है द आईज विल कम बैक टू नॉर्मलसी. और ये संभव है. आप एक बार मैं देखना चाहूंगा, बट वो है कि इट इज, डोंट थिंक कि न्यूरो डिजनरेटिव में ये बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता, धीरे धीरे डिटोरेट करते रहेंगे, ऐसा नहीं. नहीं नहीं, ही विल बी फाइन. आप एक बार भेजिए, विल सी जी. आप क्या पूछ रहे हैं जी? ऑस्टियो आर्थराइटिस के लिए जो इंडियन स्क्वाटिंग स्टाइल है वो बहुत डिफिकल्ट है शुरू में, लेकिन इट विल टेक 3 to 6 months. 3 to 6 months में स्थिति में आदमी आ जाता है कि बैठ जाता है किसी भी आर्थराइटिस में, ये संभव है. अजवाइन, मैं आपको उसका उपाय बता रहा हूँ. दैट डजंट मीन कि आप रॉ फूड स्टॉप कर देंगे, उसका मैं उपाय बता रहा हूँ आपको. अजवाइन है ना, अजवाइन 2 ग्लास अपने टेबल पे रखिए, 1-1 चम्मच उसमें अजवाइन डाल दीजिए, 2-3 घंटे वेट करिए, मतलब सुबह डाल दीजिए, अगर दोपहर को गैस बनता है वो पानी पी लीजिए, और एक वो डाल दीजिए, अजवाइन का पानी पीना जरूरी है अगर गैस बनता है तो. हाँ, तो मोशन लूज ही होता है बाय द वे, जो टाइट वाले मोशंस है ना, ये आपको एनिमल वर्ल्ड से कंपेयर करिए आप, डोंट कंपेयर विद हम. तो बहुत सी बात है, क्योंकि आपको 8 घंटे सस्टेन करना है, शुरू में ना हैबिट नहीं होता है तो जल्दी भूख लग जाती है, जल्दी भूख ना लगे इसलिए पेट भर के खाइए ना, एक बार खाइए पेट भर के खाइए. आप हमेशा याद रखिए, जो लोग ज्यादा टाइम खाते हैं, 1 बार योगी, 2 बार भोगी, 3 बार रोगी. अगर आप आज रोगी नहीं हैं, अगर 3 बार खा रहे हैं तो कल रोगी बनेंगे जरूर, इसमें कहीं कोई डाउट मत रखिएगा. नहीं, दोनों जगह आप देखिए, पक्के फर्श पे आपको अर्थिंग, बिजली का, आपके घर का अर्थिंग कहाँ करते हैं आप? अपने ही अर्थ पे करते हैं ना, किसी भी फ्लोर पे है, किसी भी फ्लोर पे. आप अगर 8th फ्लोर में रहते हैं फ्लैट में, तो आपको क्या लगता है आपके घर में अर्थिंग नहीं हुआ है? हुआ है ना, उसी अर्थ पे आप पैर रख रहे हैं.
तो आप ये ना समझे कि आप अगर अपने घर के फर्श पे पैर रख रहे हैं तो अर्थ पे पैर नहीं रख रहे हैं, अर्थ पे पैर रख रहे हैं, क्योंकि उसका अर्थिंग हुआ होगा जरूर, उसका पर्पस ये है आपके बॉडी से एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी निकालना। और वैसे भी मिट्टी में तो आइडियल है, मिट्टी में तो बेस्ट है, लेकिन क्या क्या होता है ना, आपकी बीवी आपको घर में नहीं आने देगी, वो बोले आप पहले तो पैर धो यार, तुम क्या किसके चक्कर में पड़ गए हो, तुम्हारा तो पैर ही गंदा हो गया है, तुम ऐसे गंदे पैर लेके घर में चले जाते हो, राइट। उनको ये बात बताना जरूरी है कि मिट्टी में वो ताकत है जो एक बीज को पेड़ बना देती है। आपको गंदगी दिखती है, मिट्टी माँ है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीया जी। नहीं नहीं, आई डोंट एग्री। आपके पास अगर फर्श ही है, आप ऐसे चलिए ना जैसे मैंने आपको बताया, आपकी एड़ियां नहीं दुखेंगी। बिजली निकलना चाहती है, निकल नहीं पा रही है, क्योंकि आप चप्पल पहने और यूजुअली स्किन फाड़ के निकलती है। अगर आप पांव जमीन पर रखना शुरू करो, ये फटी हुई एड़ियां वापस जुड़ जाएंगी, दैट स्किन विल बी फाइन। और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-6 दिन में हो जाएगा, आप करके देखो। संभव है, संभव है। गेहूं हाइब्रिड है, इनफैक्ट ये जो सीड्स हम खा रहे हैं ये हाइब्रिड सीड्स हैं, और ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसीलिए मोटा अनाज मिलेट्स का ईयर चल रहा है, इसीलिए मोटा अनाज आपको बताया जा रहा है। हाइब्रिड चीजें ना खाएं जी, उसको बैलेंस करने के लिए 2 जून भोजन पे आ जाइए। इंसुलिन बैलेंस हो गया, पूरे बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे। थायराइड, यूट्रस में फाइब्रॉइड क्यों होता है? इंसुलिन का सिर्फ ये काम नहीं है कि ब्लड में से शुगर को लेके सेल में डालना, इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है, वो मुंह को भी बड़ा करेगा, पेट को भी बड़ा करेगा, अगर कोई ट्यूमर है तो उसको भी बड़ा करेगा, यूट्रस को भी बड़ा करेगा। यूट्रस सॉफ्ट टिश्यू है, वो यूनिफॉर्मली बड़ा नहीं होगा, तो जहां जहां से बड़ा होगा उसको आप फाइब्रॉइड बोलते हो। है ये प्रॉब्लम इंसुलिन का, इसीलिए आपने देखा होगा फाइब्रॉइड के लिए और पीसीओडी के लिए एंटी डायबिटिक ड्रग्स दे रहे हैं। अरे एंटी डायबिटिक ड्रग्स क्यों ले रहे हो पीसीओडी में? इंसुलिन नॉर्मलाइज कर लो, पीसीओडी ठीक हो जाएगा। हमने कितने लोगों को जिनको बांझ डिक्लेयर कर दिया गया था, ये कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकते हैं, वो प्रेग्नेंट है। नहीं वो तो जी 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 एक आखिरी लेते हैं। हाँ हाँ, यूरिन फ्लो का जितना भी प्रॉब्लम है इज अ प्रोस्टेट प्रॉब्लम, एंड ज्यादातर वो बोलते हैं कि कोई स्ट्रक्चर है। अगर कोई स्ट्रक्चर है या प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, ये दोनों प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो सकते हैं भारतीय विधा में बैठ के। धीरे धीरे कोशिश करिए बैठ के यूरिन करने का, और ना के बहाने ढूंढने वाले क्या बोलते हैं, हमारे पास तो वो इंडियन टॉयलेट ही नहीं है, आप नहाते नहीं है क्या? वहां पर बैठ के कर लीजिए ना, वहां पर बाद में पानी डाल दीजिए। जो ना के बहाने ढूंढने वाले लोग, हां का जुनून रखिए, करना है। जो जा रहे उनको मैं कह रहा हूं, दो टूटे कर सकते हो, थैंक्स कह दे जी, वो देखना पड़ेगा, वो इंडिविजुअल मेरिट पे डिपेंड करेगा कि क्या है, लेकिन मोस्टली बिना दवा के ठीक मैक्सिमम डिजीज हो जाती। अक्सर एक अंतिम जिज्ञासा मेरी जी,
आपके पास आने के लिए परिजनों को कन्विंस करने के लिए कौन सी औषधि? क्योंकि वैकल्पिक चिकित्सा पर जाने के लिए परिवार मरीज राजी हो जाता है, क्योंकि वो मुश्किल को सोचता है कैसे भी दिलदार मिले। परिजन कहता है कहाँ आप नहीं हो, आपको मैं तो वो आपके प्रश्न का आंसर है, वी आर द फास्टेस्ट, द श्योरेस्ट, द क्योरेस्ट, द मोस्ट ड्यूरेबल एंड द चीपेस्ट। जैसे 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 मैं आपको एक टिप दे के जाता हूं, होंठ अगर किसी के फट जाते हैं कितने दिन में आप ठीक होता है, कितना दिन लगता है? आप वो वैसलीन या फिर नारियल तेल या जो भी आप नेचुरल लगाएंगे कितना टाइम लगता है? 3-4 दिन लगता है, है ना? तो 2 घंटे में ठीक करना चाहते हैं क्या? तो नारियल तेल नाभि पे लगाइए और उसको 1.5-2 मिनट तक घुमा दीजिए, 2 घंटे में लिप्स ठीक हो जाएंगे। बात यह है कि आप पूरा का पूरा एक सेल से बॉडी बनी है, जाइगोट से बॉडी बनी है, राइट? और नाभि से पोषित होके आपका हड्डी भी बना है, आपका हार्ट भी बना है, आपका मांस भी बना है, आपका स्किन भी बना है। नाभि को मॉडर्न मेडिसिन मानती है कि रूडिमेंट्री ऑर्गेन है। मैं मॉडर्न मेडिसिन में जब लेक्चर देता हूं IMAs में, मैं उनको पूछता हूं एक बात बताओ, तुम्हारे नाभि में कॉटन कौन रखता है, कहां से आता है कॉटन? आपको लगता होगा बनियान से आता है, बनियान के बिना चलिए, शर्ट के बिना चलिए 3 दिन, आप देखिए कितना कॉटन आता है। वो कहां से आ रहा है? जो जंगल में रहते हैं, जो कपड़े नहीं पहनते हैं, उनको कहां से आता है? ये भ्रांति होगी आपकी कि वो उससे आता है। पूरा का पूरा जीवन वो गोल्डन रेशियो मेंटेन करता है नाभि जो है। आप कभी देखिए, ये वही गोल्डन रेशियो है जिसमें पूरी दुनिया बनी है, और वो आपके नाभि में है। रावण को कहां मारा गया था? स्टेम सेल्स कहां होते हैं? आज भी नाभि में होते हैं। जो स्टेम सेल्स आपके हैं कहां होते हैं? और नाभि रूडिमेंट्री है, पूरा जीवन चल रहा है वहां से। ये जरूरत है उसको देखने की। इसलिए ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, हमें कंपटीशन में रख लीजिए टाइम फ्रेम से। मॉडर्न मेडिसिन कितना दिन में ठीक करेगी, हम जरूर उसका 1/2 या 1/4 टाइम में उस पेशेंट को ठीक कर देंगे। मैं वही बताना चाहता हूं, दैट वी आर द फास्टेस्ट, हमसे फास्ट कोई है ही नहीं। 3 दिन में डायबिटीज को बिना दवा के कंट्रोल करना दुनिया के किसी मेडिसिन में दिखा दीजिए, है क्या? सो दैट इज वेयर वी आर, एंड वी आर फुल्ली रिसर्च्ड एंड गियर्ड अप टू डिलीवर। एक्चुअली यही हम पेशेंट के साथ करते हैं। तो आप उनको बोलना बहुत सिंपल है कि आप एक बार ट्राई करके तो देखो। तो चाहिए डॉक्टर के आभार प्रकट करें। और मुझे लगता है कि आभार प्रकट करने का एक तरीका होता है, जो हम संगीत के कार्यक्रमों में तालियां बजवा करके कर लेते हैं, जो हमने मैंने आपसे करवा दिया। लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता है कि वैकल्पिक जीवन पद्धति की ओर जाना भी आभार प्रकटीकरण है। कि हमने आज जो कुछ सुना उसको आचरण में अगर उसका 10% भी अगर हम ले सके, तो निश्चित रूप से डॉक्टर अवधेश पांडे साहब का इतनी दूर देहरादून से इंदौर तक आना सफल होगा, और आगे भी उनका मन रहेगा कि ये मन से स्वच्छ शहर भी है, तन से स्वच्छ शहर भी है। और मुझे लगता है कि अपनी स्वाद प्रियता को थोड़ा सा हम थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया चटोरे मन वाला इंदौर, उसको थोड़ा कुछ सुन करें। और रेखा जी के लिए मैं चाहूंगा तालियां बजाकर उसके प्रति भी आभार प्रकट करें कि वो इसलिए मध्यस्थ बनी कि ऐसी विभूति को हम यहाँ देख पाए, सुन पाए। एक चिंतन की एक लेकिन प्रक्रिया तो शुरू होती है, इसका अक्सर मैं आपसे मुंबई बोलता हूँ कि सुनना बहुत आसान है, आचरण में लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक प्रक्रिया तो शुरू हुई है। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में आज आपने थोड़ा झकझोर तो दिया है कि ये सब कुछ संभव है, और ये हमारे प्रकृति और हमारे पुरातन और हमारे चिंतन
सोच से आया, आप तो इसके सारथी के रूप में इसको आप आगे बढ़ाए, तो आपके प्रति बहुत आभार प्रकट करते हैं। और महाकालेश्वर ओंकारेश्वर के बीच हम लोग बैठे हैं महिमा देवी के दौर में, तो उनसे प्रार्थना करेंगे बहुत बहुत दिनों तक भारत को आप जैसी विभूतियों की जरूरत है, आपका ज्ञान और आपका मार्गदर्शन सबको मिलता है। बहुत बहुत